हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ? क्या वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? बार बताइए, सभी लोग वॉइस वगैरह क्लियर है, प्रॉपर है? गुड मॉर्निंग, करते हैं स्टार्ट क्लास को। 2-3 मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग ऑल वेल। आज के सेशन में हम कुछ बियरिक भी देखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, और उसके कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। बताता जाऊंगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और बीच बीच में उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे सेशन में। डेफिनेटली आपको ये सेशन हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1 आध मिनट। जैसे लोग सबको आ जाते हैं, अपने सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, देख पा रहे होगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, कब का है, 1972 का है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू के थ्रू, और कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें भी बताऊंगा जहाँ पे। चलिए, थैंक यू थैंक यू। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वेट करना। थैंक यू हेमा, थैंक यू। मतलब शायद कल से बेहतर वॉइस भी आ रही होगी, और वॉइस की कल कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो शायद अब वो भी नहीं होगी। होप सो कि वॉइस की वगैरह प्रॉब्लम ना हो। चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आ जाते हैं हम। कल हम देखो स्टार्ट किया था हमने एक्ट, कुछ डेफिनेशंस आपको देखनी है। मतलब पहले आपको एक चीज़ें कुछ समझनी है। जैसे आप सबसे पहले जाओगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग ये देखें, ठीक है। अभी सारथी 4.0 बैच आ रहा है अनअकैडमी का, आप इसको भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है इस बैच को, देख लीजिए कि इसमें शुभम सर, देवशीष सर, चारू मैम और अपर्णा मैम इसमें होने वाली है। तो इस बैच को आप देख लीजिए अनअकैडमी के। आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको यहाँ पे ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ राजस्थान स्टेट जुडिशरी का बैच भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 18 नवंबर से। आप इस बैच को भी देख सकते हैं, ये बैच भी हेल्प करेगा। और आपको मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये तो बैचेस की बात हो गई, अब देख लेते हैं, समझिएगा। जैसे एक चीज़ आ रही है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट की बात की जा रही है कि भैया डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ पे 3 डेट्स एक्चुअली, ठीक है। देखिएगा, पहली डेट आपको जो दी गई है, ये प्रेसिडेंट असेंट की डेट है, ठीक है। प्रेसिडेंट असेंट इसको कब मिली, इस एक्ट को जो प्रेसिडेंट असेंट मिलती है, ये मिलती है 4/4/1972 को इसको प्रेसिडेंट असेंट मिलती है। ये आपका एक्ट पब्लिश कब होता है, देखिए इसमें पब्लिश की डेट है। पब्लिश मतलब ऑफिशियल गजट में पब्लिश कब हुआ था, 11 सितंबर, 11 सितंबर 1972 में। और जो एनफोर्स की लागू होने की डेट है, ये इसमें ऑल इंडिया की नहीं, स्टेट वाइज डेट दी गई है। तो एमपी में ये 25 जनवरी, ठीक है, 1973 पे लागू होता है। तो एनफोर्समेंट की डेट आप इसको ये वाली आपको माननी है, ठीक है। दिस इज द एनफोर्समेंट डेट, ये आपकी एनफोर्समेंट डेट मानी जाएगी, क्योंकि एमपी में आपका
इस डेट को क्या हो रहा है, ये एनफोर्स हो रहा है, तो इस डेट को आप क्या करेंगे जरूर देख ले, दिस इज द एनफोर्समेंट डेट इन एमपी। क्लियर हुआ, ये आपकी एनफोर्समेंट डेट मान ली जाएगी क्योंकि एमपी की एनफोर्समेंट डेट आपकी अलग से दी गई है, दिस इज द एनफोर्समेंट डेट। थैंक यू वेरी मच। हाँ 9 सितंबर अपन मान ली, 9 सितंबर असेंट डेट है, बिल्कुल 9 सितंबर प्रेसिडेंट असेंट डेट है, ये आपको यहाँ पे डेट्स वगैरह देखनी है। इसके बाद मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी, कुछ मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी कुछ धीरे धीरे अपन देखते जाएंगे चीजें। चलिए हम डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एनिमल की, तो देखिए मैं आपको एनिमल की डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, जनरली अगर हम सेंस में देखते हैं तो एनिमल के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे अपन उन चीजों को देखते हैं जिनके, जैसे अपन बोलते हैं जो जंगल में रहते हैं, अपन बहुत सारे कैटेगराइजेशन कर किया हुआ है, अपन ने फिशेस को अपन अलग कैटेगरी में लेके आते हैं, अगर अपन देखो जो सांप या कीड़े मकौड़े होते हैं उनको अलग कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे और एनिमल का अपन बोलते हैं कि प्राणी जो जिंदा है, ठीक है, चार लिखा है मैंने प्रेसिडेंट, कहाँ लिखा है चार, मैंने प्रेसिडेंट असेंट सॉरी 9 लिखना था, वहां पे चार लिख गया, मैं गलत लिख गया हूँ सॉरी, इसको 9 कर लीजिएगा, वो पूरा पेन चला नहीं है शायद, ऐसा कुछ हो गया होगा या गलत जल्दी जल्दी में लिख गया होगा, तो उसको आप लोग क्या कर लेंगे, 9th आप लोग उसको कर लीजिएगा, दैट इज 9th सितंबर, वो 9 सितंबर होगा। इसके बाद देखिए एनिमल की डेफिनेशन को बहुत इन्होंने किया है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मैंने आपको बताया था एनिमल प्लस प्लांट, एनिमल प्लस प्लांट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ आपकी बनाते हैं। तो अगर आप एनिमल की डेफिनेशन देखोगे, ये आपको एनिमल की डेफिनेशन 2 के 1 में आपको मिलेगी, 2 के 1 में, और यहाँ पे आप कह सकते हो एनिमल के अंदर सारे के सारे लोग आ जाएंगे, मतलब एनिमल के अंदर सारे के सारे लिविंग बींग्स आ जाएंगे, लिविंग बींग्स जितने होते हैं ना, लिविंग बींग्स सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन किसको बस छोड़ देना है आपको, इसमें किसको छोड़ देना है, इसको ह्यूमन को छोड़ देना है, एक तो लिविंग बींग्स तो आ रहे हैं, इसके साथ साथ उनके जो एक्स वगैरह या तमाम चीजें होती हैं ये भी यहाँ पे आ जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, सबसे पहले लिखा है कि इंक्लूड्स मैमल्स, मैमल्स मतलब जो बच्चों को देते हैं, ठीक है, अपने बच्चे मतलब जिनके बच्चे होते हैं ना डायरेक्ट पैदा, वो आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाती हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, एम्फीबियंस भी आ जाती है, फिशेस भी आ जाती हैं, और आप बोल सकते हो अन्य प्रकार की मतलब जो उनके यंग मतलब बच्चे भी आ जाते हैं, इवन उनके अंडे भी यहाँ पे आते हैं। तो ऐसा नहीं देखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब समझिए, कोई एक ऐसी प्रजाति है जिसके जिसके अंडे आप कोई चुरा के ले आओ, समझो ऑस्ट्रिच है, समझो ऑस्ट्रिच भारत में हम लेके आए, अब ऑस्ट्रिच का हम संरक्षण कर रहे हैं और ये एक ऐसी प्रजाति है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल में आती है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है इनके बच्चों को चुरा ले जाए, कोई व्यक्ति क्या करता है इनके चूजों को चुरा ले जाए, कोई व्यक्ति क्या करता है चिक्स जिनको हम चूजों को चिक्स बोलते हैं, कोई व्यक्ति क्या करता है इन बच्चों के इनके अंडों को चुरा ले जाता है, तो क्या भी ये हंटिंग के अंदर आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो हंटिंग की डेफिनेशन होगी इसका मतलब केवल गोली मारना नहीं है कि किसी को आप गोली मार दो, इसका मतलब होता है हंटिंग, हंटिंग का मतलब बहुत ही वाइडर सेंस में लिया गया है। तो हमें एक तो एनिमल की डेफिनेशन देनी है कि एनिमल में बहुत सारी चीज आ जाती है, दूसरी हमें जो डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपकी कौन सी डेफिनेशन, यहाँ पे हम आते हैं कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन आप देखोगे हंटिंग की, हंटिंग की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हंटिंग में भी यहाँ पे इसने क्या किया है, कोशिश की है सारी चीजों को इंक्लूड करने की। अब क्या कह रहा है, हंटिंग में क्या आएगा, विद ग्रामेटिकली वेरिएशन एंड कॉन्गेट एक्सप्रेशन, मतलब जो भी उसमें उतार चढ़ाव के साथ क्या होगा, देखो किसी को किल करना, किसी को पॉइजन देना, मतलब किसी भी जानवर को किल करना, वाइल्ड एनिमल को या किसी कैप्टिव एनिमल को, या उसको किल करना या पॉइजन देना या उसका अटेम्प्ट करना, उसको कैप्चर करना, स्नैपिंग करता, ट्रैपिंग करना, ड्राइव मतलब साथ उसको आप किसी जाल में भी फंसा रहे हो, उसे मार रहे हो, मतलब वो इवन उसके आप उसको क्या कर रहे हो, उसके अंडों को, उसके घोंसलों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, रेप्टाइल के नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जहां पे वो बिलों पे रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनके बॉडी किसी पार्ट को इंजरी पहुंचा रहे हो, समझो आपने मोर के लिए उसके मोर पंखों को आपने क्या किया, मोर के मोर पंख निकाल लिया आपने, किसी जैसे आपने देखा होगा जो राइनो होता है गेड़ा जिसको हम बोलते हैं, उसके सींगों के लिए उसे मारा जाता है, हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, आपने हाथी को नहीं मारा केवल आपने उसके दांत ले लिए, तो क्या ये भी हंटिंग के अधीन आएगा, तो बोल रहा है हाँ ये भी आपका हंटिंग के अधीन आ जाएगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता देता हूँ मेन मेन, ठीक है, बाकी तो अभी मैं जब ये कराऊंगा आपको एमसीक्यू अभी करा रहा हूँ इसके बाद बस 2 मिनट में, तो उसके साथ साथ जो भी चीजें आएंगी वहां पे आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद एक डेफिनेशन आप देखोगे वाइल्ड लाइफ की, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट है। अब वाइल्ड लाइफ में आ क्या क्या रहा है, बोल रहा है कि इंक्लूडिंग एनी एनिमल, इसमें एनिमल भी आ जाएंगे जो इस एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जो पानी वाले जानवर होते हैं, पानी में क्या रहता है, पानी में जैसे सांप भी रहते हैं, पानी में मछलियां भी रहती हैं, पानी में जैसे हम अगर जाते हैं
तो हमारे क्रोकोडाइल्स वगैरह हो जाते हैं, या जो कछुए वगैरह होते हैं, टर्टल्स वगैरह, ये भी आ जाते हैं। और लैंड वेजिटेशन, जो जमीन में वेजिटेशन वगैरह होती है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, फॉर विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट, जो हैबिटेट का पार्ट होता है। आप समझिए कि आप जंगल से पूरे पेड़ ही काट दोगे, जहां पे जानवर रहते हैं आप उनका घर को ही मिटा दोगे, तो वो कहाँ रहेंगे। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब मैंने आपको कल बताया था, एनिमल भी आते हैं, एनिमल के अंदर सारे प्रकार के एनिमल और प्लांट्स भी इसके अधीन आ जाते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से चीजों को देखना है। चलिए एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं, जहां जहां फिर जो क्वेश्चन होगा उसके साथ साथ वो भी मैं आपको समय समय पर उसी के साथ साथ बताता जाऊंगा कि भैया इसके साथ ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। सेक्शन अभी कोई नहीं पढ़ा रहा था, जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, कोई सेक्शन नहीं पढ़ा रहा था। रेडी हो एक बार एमसीक्यू के लिए, जल्दी बोलिए फटाफट, कुछ एमसीक्यू करा देता हूँ और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन बनेंगे मैं वहीं पे आपको साथ साथ उसको बताता जाऊंगा। जल्दी एक बार सबको थम्स अप दीजिए कि सब कोई रेडी है, सबको एक बार बताइए, लिख के बताइए कि रेडी हो सारे लोग। और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, अगर क्लास में आया करिए तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और मेहनत करने का हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग भी आपके लिए बेहतर तरीके से और मेहनत कर पाए। चलिए देखते हैं कुछ चीजें, कुछ एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यू आ रहा है वो ये रहा, ठीक है, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा ये वाला। कल से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल वाली एमसीक्यू है, कुछ कुछ दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज, कल ही मैंने बताई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिएगा अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज स्टेट स्टेट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये कहाँ पर बताया गया, ठीक है, हाँ इम्पोर्टेंट सेक्शन भी बताऊंगा भी मैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बता दूंगा। तो ये कहाँ पर बताया गया भैया, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी करके बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा। मतलब कौन सा बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के तहत कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य बताता है कि वन झीलों नदियों और वन्य जीवों, ये देखिए वन्य जीव स्पेसिफिकली है, सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार और जीव जीव क्या है जीवित प्रणालियों के लिए जुनून है, ठीक है, कहां पर बताया गया ये। तो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर सही किया है काफी लोगों ने। और इसकी अगर हम आंसर की तरफ आते हैं तो ये आपका देखिएगा, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये क्या है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है 51A के, इसको जो 7 बोल दीजिए आप, या तो 7th वाली एंट्री है जिसमें 11 एंट्री है टोटल, या इसको जी वाली एंट्री बोल सकते हैं, मतलब ABCD करके अगर जाते हो तो ये भी 7th एंट्री पड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर जाते हैं 48A, जो मैंने आपको कल ही बताया था, 48A भी हमारा क्या है, 48A भी क्या बताया गया है, ये आपकी डीपीएसपी है, डीपीएसपी। और ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी आपकी कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था हमारा जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी एंट्री 17B, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, ये भी आपकी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। और अगर हम 17A एंट्री आते हैं कंकरेंट लिस्ट का, 7th शेड्यूल की जो कंकरेंट लिस्ट है, इसकी जो 17B एंट्री है ये वाइल्ड लाइफ से, और इसकी जो 17A एंट्री है ये आपकी फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ चीजें जो मुझे याद आती जा रही हैं, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो आपको शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ये किस एग्जाम में पूछा गया था, ये मेरे को जहां तक याद है एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे ये वन होते हैं ना बहुत सारे डिपार्टमेंट पुलिस में, तो उसके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तो जब वो ये पूछ सकता है तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एंट्रीज वगैरह के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए देखेंगे, लिखा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग विद एंडेवर द प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ठीक है भैया, कौन सा ये बात कर रहा है, फिर से एक आर्टिकल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देशों के वनों और वन जीवों की रक्षा के प्रयास से संबंधित है, कौन सा संबंधित है भैया, जल्दी बताइए फटाफट, इसका क्या आंसर होगा। शायद मैंने इसको अभी अभी आप लोगों को ये बताया भी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो अभी अभी मैंने बताया था ये क्या होगा, ये किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, या आपका डीपीएसपी, जितनी भी आपके आर्टिकल दिए गए सब डीपीएसपी से दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और अभी अभी अपन ने पीछे जिक्र किया है, ये आपका 48A आता है। 48 में क्या हेडिंग है, 48 बोलता है कि भैया हर भारतीय का ये कर्तव्य होगा, कर्तव्य सॉरी कर्तव्य वर्ड नहीं लिखा गया, ये सरकार को क्या करना है, ये सरकार की
क्या है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है कि हमें अपने जो जो भी एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। और क्यों क्यों करना है ऐसा, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, क्योंकि स्टेट और स्टेट ने क्या ऐसा किया है, हाँ स्टेट ने बिल्कुल किया है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख रहे हो, नेशनल पार्क देख रहे हो, ये सरकार ने क्यों बनवाए हैं, ठीक है, ये सरकार ने इसलिए बनाया है क्योंकि ये सरकार की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अधीन आता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द फर्स्ट गेम लॉ वर प्रोमुलगेटेड बाय कौटिल्य, ठीक है, पहला खेल जो कौटिल्य प्रख्या के था, इसको हटा देते हैं, सॉरी दिस इज नॉट अ राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, ये तो किसी दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या हिस्सा नहीं है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हिस्सा नहीं है, कौन सा आंसर, उसका मैंने कराया ही नहीं है ना, ये मैंने काट दिया इसको, तो मैंने कराया ही नहीं है, ठीक है, उसको मैंने कटवा दिया है, ठीक है, उसको उसको कौटल वगैरह उसमें आप जाओगे, चलिए उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आइए फटाफट, इसका क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, इनलीगल क्लिंग, इनलीगल पॉचिंग, इनलीगल ट्रेडिंग, प्रिवेंट हंटिंग बाय STNANI, ANI मतलब कोई एरिया होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ANI एरिया, तो इसका क्या लगाओगे भी अगर आएगा, पोचिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पोचिंग, पोचिंग का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, ये पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार, पहले मतलब समझिए, पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार, तो अवैध शिकार, अब देखिए इसको इनलीगल किलिंग, इसको अवैध शिकार, ये भी शिकार का ही जैसा वर्ड यूज किया जाता है, ये भी शिकार वगैरह के लिए यूज किया जाता है। अब आंसर बताइए, क्योंकि तो हो सकता है कुछ लोगों को ये शब्द में दिक्कत हो रही हो, इसलिए वजह से आप इसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाए हो, ठीक है, पोचिंग टू को फूड जनरली स्मेल्स, ठीक है, हंट ऑफ गैर कानूनी तरीके से पशुओं का शिकार करना, ये इसको पूछा गया है। तो इसका आंसर अगर अपन ये देखते हैं, तो हम जाते हैं, देखो जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें इनलीगल किलिंग को भी मना किया गया है, इसमें इनलीगल पोचिंग को भी मना किया गया है, इसमें इनलीगल ट्रेडिंग को भी मना किया गया है, तो जब सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो इसके बाद इसका आंसर आता है, जो STs होते हैं उनको कुछ एरियाज में हंटिंग की परमिशन मिल जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम अंडमान निकोबार जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो किसी ऐसे एरिया में है जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क वगैरह बनाया गया है, लेकिन आपको पता होगा बहुत सारी ST प्रजाति ऐसी हैं जो अभी भी शिकार करके अपने जीवन को यापन करती हैं, तो ऐसे लोगों को क्या किया गया है, हंटिंग को क्या है, इस एक्ट के अधीन नहीं आती, ये लोग हंटिंग वगैरह कर सकते हैं, इनके लिए स्पेशल लॉज है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, रुकिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, इसका क्या होगा, राइट आंसर, इट इज डी, इसका राइट आंसर डी होगा, कौन सा पूछ रहे हो आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताया तो मैंने, ये नहीं बता दिया मैंने, ये क्या लिखा है 51, ये नहीं लिखा इसमें टिक लगा, ये वाला आपका, वेट एक मिनट सेकंड, इसका आपका आएगा 51A इज द राइट आंसर, इनक्या बने, पोचिंग इज हल्टिंग, ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने है, ये है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज बीन इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, मतलब जो संविधान है इसके माध्यम से, जो हमने संविधान में जो समवर्ती सूची है, जो कंकरेंट लिस्ट, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, कंकरेंट लिस्ट में कब से हमने आपके, पहले मैंने आपको बताया था जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट था, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट किसका हिस्सा था, ये आपका स्टेट लिस्ट का हिस्सा था, देन मैंने बताया कि आपको वाइल्ड लाइफ को 17B में, जो 17B में, और फॉरेस्ट को 17A में रख दिया गया है, और अब ये किसका हिस्सा है, स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, अब ये किसका हिस्सा हो गए हैं, दोनों कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा हो गए, कंकरेंट लिस्ट कहाँ पे दी गई है, ये 7th शेड्यूल की 3rd एंट्री में है, ये 3rd एंट्री में है, ये 3rd एंट्री में, अब ये बात कर रहा है, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भैया कौन से अमेंडमेंट से ऐसा किया गया है, विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट ऐसा किया गया है, तो ये किया गया है, इट इज बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये पहले संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया, इट इज फ्रॉम 1976,
6, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको, अगर हेल्थ इश्यू हो तो आप बाद में कर लीजिएगा इसको, मैं आपका पीडीएफ भेज दूंगा। जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे सारी चीजें लगाओ, ठीक है। हाँ, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसका वो पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। आपको मैं उसका पीडीएफ भेज दूंगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए यहाँ पे मत लगाओ। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हेल्थ इश्यू वगैरह होते हैं स्क्रीन वगैरह देखने में, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और फिर उसका इस क्या करिएगा आप लोग, वहां पे आप लगा लीजिएगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन की तरफ, सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ठीक है, कॉम्प्रेहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव मेजर्स विच वॉज इनेक्टेड इन 1972 फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ इन जनरल एंड टू द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना इन पर्टिकुलर, लिखा है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा क्या लिखा है। एक व्यापक केंद्रीय क्या है, विधायी उपाय जो सामान्य रूप से वन्य जीवों को और विशेष रूप से जीवों को लुप्त प्राणियों को विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, 1972 में पारित किया गया। ये तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1972 में पास होने वाला कौन सा एक्ट है, ठीक है। ये तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, तो इसका आंसर हम क्या लगाते हैं, इसका आंसर तो आपको पता होगा 1972 में जो एक्ट पास हो रहा है उस एक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये पास हुआ है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में क्या किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। जब एक बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं तो दोबारा पूछे जाने की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेचर जो मेजर्स वगैरह लिए गए थे फौना या ठीक है फौना या फ्लोरा वगैरह को बचाने के लिए, ये यहाँ पे किए गए थे। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायर टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब इस एक्ट के पहले द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज गवर्न अंडर द रूल ऑफ, मतलब देखिएगा ये एक्ट तो 1972 के पहले आया। अब आप आईपीसी वगैरह देखो तो आईपीसी तो 1860 की है, 1860 मतलब हमारे यहाँ बहुत पहले से कानून बनते आ रहे हैं। मतलब मान लीजिए 1850 से अच्छे अच्छे कानून बनना आ गए, 1833 से बहुत कानून बनने चालू हो गए थे और ये 1972 में आ गए। तो क्या इसके पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई कानून नहीं था क्या, क्या इसके पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं होता था, होता था। तो वो इसके पहले किस एक्ट के माध्यम से होता था ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो इसमें तो अगर आप लोग ऑप्शंस में भी दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो थोड़ा सा आप इसमें क्या करोगे, ऑप्शंस के हिसाब से भी आप इसमें जा सकते हो, क्योंकि प्रायर पूछा गया, प्रायर मतलब पहले। तो 19 अगर आप इसको क्वेश्चन को कैसे डील करना है, 1972 के पहले पहले क्या है, 1972 के पहले क्या आता है, डेट मान लीजिएगा तो 1927 उसके पहले आती है, तो इसका आंसर बन जाता है 7 का, कौन सा है, इसका नाम है वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, बिकॉज 1927 वाला आएगा तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द एक्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो मैंने आपको शायद ये कल भी बताए थे, आपको पता होगा मैंने बहुत सारे बताए थे, एलिफेंट एक्ट के बारे में बताया था, बर्ड्स एंड एनिमल एक्ट के बारे में बताया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बताया था, आईपीसी के कुछ प्रोविजन बताए थे, और ये सारी की सारी चीजें इसके पहले थी, लेकिन इस एक्ट के बाद से सबको मैंने क्या कर दिया, साथ में जोड़ दिया है। और अब क्या होता है, एक स्पेसिफिक लॉ जो बहुत हद तक फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मैंने के अंदर वाइल्ड लाइफ में देखिए फॉरेस्ट में पूरी वाइल्ड लाइफ आ जाती है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, संरक्षित वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी वैसे भी बता चुका हूं लेकिन यहां पे आप दोबारा इसको देखें। चलिए हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। वो बोलता है पीवीजीटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है भैया ये क्या है, ये इसका जिक्र भी एक आध बार पूछ लिया गया है, पीवीजीटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये इसी क्योंकि ये ट्राइब्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब एड्स का। मैंने देखिए एक ऑप्शन आपको दे दिया, ट्राइब्स से जुड़ा है, ठीक है। अब ट्राइब्स से जुड़ा है तो आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस बचेंगे, तो मतलब ट्रिपल और तिब्बतियन तो हट गया, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि कुछ ट्राइब्स के लिए स्पेशल्स वगैरह नियम लाए गए, क्योंकि कुछ रूल्स से भी मैंने आपको पूछ लिए हैं। तो इस शब्द का मतलब है इट इज सी, इट इज सी पर्टिकुलरली, ठीक है, वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डी की आप मीनिंग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको डीपली समझने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्या बोलता है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा, हो सकता है इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आए, और इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा नंबर जरूर मिलेंगे। अब आ जाते हैं, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज सेवरल चैप्टर्स नॉट डीलिंग विद
मेंशन बिलो, मतलब इस एक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन कोई भी चैप्टर के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के कई अध्याय हैं जिसका उल्लेख नीचे नहीं किया गया है। भैया तो कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके बारे में इस एक्ट में जिक्र ही नहीं किया गया है? तो मैंने आपको शायद कल बताया था यहाँ पे 7 चैप्टर हैं, ठीक है, जल्दी से हम आ जाते हैं यहीं से, हमें 7 चैप्टर याद हो जाएंगे, ठीक है, हमें जल्दी से देखते हैं पहला चैप्टर क्या है, जल्दी से यहाँ पे देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर इज, पहला चैप्टर हमारा है प्रिलिमिनरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक। दूसरा हमारा चैप्टर मैंने आपको कल बताया था ऑफिसर्स वगैरह के बारे में, ऑफिसर्स एंड अपॉइंटमेंट के संबंध में है, इसमें अथॉरिटी वगैरह, इसमें अथॉरिटी भी आ जाती है, 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर आपका हंटिंग के संबंध में है, तो भैया हंटिंग हो गई, ठीक है। चौथा चैप्टर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से डील होंगे, चौथा चैप्टर है प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, कुछ आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया में जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क वगैरह आ जाते हैं, चौथा हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेशनल पार्क्स वगैरह, इसी में सब इंक्लूड हो जाएंगे। अब आते हैं 4A, आपका चैप्टर किससे रिलेटेड है, ये जू से रिलेटेड है, जिसको हम जूज वगैरह, इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जू वगैरह आ जाता है आपका। इसके बाद 4B, आपका 4B भी है, 4B किससे रिलेटेड है, टाइगर, टाइगर रिजर्व आप लिख लीजिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं 4C में, 4C किससे रिलेटेड है, ये टाइगर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड है, देखिए ये भी मिल गया। इसके बाद हम फिफ्थ की तरफ आ जाते हैं, फिफ्थ चैप्टर किससे रिलेटेड है, तो कह रहा है जो फिफ्थ ट्रेड है ये ट्रेड एंड कॉमर्स से है, ट्रेड एंड कॉमर्स इनकी मतलब आप जो सामग्रियां बेचते हैं। अब फिफ्थ ए किससे रिलेटेड है, कह रहा है जो फिफ्थ ए चैप्टर है ये आपको प्रोहिबिशन से, प्रोहिबिट किया गया है ट्रेड को, प्रोहिबिट किया गया है ट्रेड वगैरह को, ठीक है, जिसमें ट्रॉफी वगैरह नहीं बेचेंगे। अब हम आ जाते हैं सिक्स, सिक्स किससे संबंध है, बोल रहा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस, ये अपराधों से संबंध है, अपराधों से संबंध है। और आखिरी बोल रहा है सिक्स ए, सॉरी सिक्स ए भी है, सिक्स ए बोल रहा है फोर फीचर, मतलब संपत्ति के समापरण से संबंधित है। और आखिरी चैप्टर आपका सेवेंथ आता है, जिसको हम मिसलेनियस प्रोविजन बोल देंगे कि भैया किससे रिलेटेड है, 59 मिसलेनियस से रिलेटेड है, ये आपका आ जाता है सेवेंथ चैप्टर, ये मिसलेनियस से। तो हमें चैप्टर्स भी पता होने चाहिए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको चैप्टर पता है तो लिखिएगा हंटिंग से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, जल्दी देखिए यहाँ पे हंटिंग से रिलेटेड मैंने कौन सा चैप्टर बताया, चैप्टर नंबर थर्ड, किससे रिलेटेड है, हंटिंग से। इसके बारे में बताता है कि पेनल्टी से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, अभी अभी मैंने बताया अपराधों के संबंध में, इसके संबंध में आ जाता है चैप्टर नंबर सिक्स। इसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ट्रेड वगैरह से संबंधित कौन सा, व्यापार से, मैंने अभी अभी आपको बताया तो एक चैप्टर ट्रेड से भी संबंधित है, कौन सा चैप्टर ट्रेड से संबंधित है, जल्दी बोलिए, चैप्टर नंबर 5, जो वर्ड इसमें ट्रेड लिखा है ना ये चैप्टर नंबर 5 है, फिफ्थ है। और आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और नेचुरल रिजर्व क्लोज एरिया एंड बायोस्फीयर रिजर्व, क्या इससे रिलेटेड कोई चैप्टर है, तो भैया ऐसा कोई भी चैप्टर यहाँ पर नहीं मिल रहा है जिसमें ये हेडिंग आपको देखने को मिलती है। देखिएगा एक जो प्रोटेक्टेड एरिया जो करके है, प्रोटेक्टेड एरिया के अधीन ये आ जाते हैं, लेकिन कोई इसका स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, आप देख पा रहे होगा ये हेडिंग का, तो इसके लिए मतलब ये इसका हिस्सा तो है लेकिन स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, आप देख पा रहे होगे हमें आंसर यहाँ पे देना है, इसका आंसर होगा इट इज डी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, चैप्टर्स को इस प्रकार से याद करिए क्योंकि चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये इस एक्ट के लिए नहीं, हर एक्ट के लिए कभी कभार आपसे पूछा जाता है कौन सा चैप्टर कहाँ से चालू देते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं फिफ्थ चैप्टर किससे रिलेटेड है, सिक्स चैप्टर किससे रिलेटेड है, या पूछ सकते हैं सेक्शन 72 से लेके सिक्स चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, आप बोलोगे 72 से 75 तक, या कुछ भी ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा सकते हैं, तो हमें उनको भी क्या करना है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंटेन्स, अभी कल मैंने आपको इसकी स्कीम बताई थी, स्कीम उसने पूछ ली आपसे, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी गई है स्कीम, और कल आप बताइए विश्वास के साथ कि मतलब आप बताइए कल मैंने आपसे स्कीम पूछी थी कि नहीं पूछी थी, कि इस एक्ट की क्या स्कीम होगी, तो आप लोग बताइए भैया क्या स्कीम है इस एक्ट की, व्हाट इज द स्कीम ऑफ दिस एक्ट, कितने सेक्शन, कितने शेड्यूल, कितने चैप्टर, सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए, 10 को बताते हैं, 10 को ए बी ऐसे ही कर रहे हो आप लोग, ए कोई बता रहा है कोई बी बता रहा है, कितना होगा, कितनी सेक्शन कितने चैप्टर, एक मिनट थोड़ा सा करिएगा,
काफी लोगों ने स्कीम्स बताई हैं, मैंने आपको कल स्कीम्स के बारे में बताया भी था। तो क्या स्कीम है इसकी, इसकी स्कीम के लिए हम आते हैं। तो इसमें आपको पता होगी कितनी सेक्शन है, कितना क्या है। तो राइट आंसर इज ए, ए इसका सही जवाब आएगा। टोटल 6 आपके शेड्यूल्स हैं, कल बताए थे 7 चैप्टर से, अभी अभी 7 चैप्टर का, और टोटल 66 सेक्शंस हैं। लेकिन अगर पता वैसे सेक्शन की तरफ आप जाइए ना, तो 130 के अप्रोक्स सेक्शन है इस एक्ट में, मतलब इसमें 130 सेक्शन है, लेकिन वो ABCD करते अगर हम चुनोगे ना, तो 130 सेक्शंस उसमें आपको मिल जाती हैं। तो ये कल ही आपको बताया गया था, ठीक है। तो आपको ये देखिए क्वेश्चन सबको याद हो गया, अच्छी बात है। ये आपको क्वेश्चन अगर याद हुआ है तो क्लियर हो रहा है, वॉइस वगैरह तो आज क्लियर है ना, आज वॉइस ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। मैं इसके साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ, जहां जहां कॉन्सेप्ट की बात आ रही है वहां कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि डायरेक्टली अपन एमसीक्यू एमसीक्यू करें, नहीं आपको कॉन्सेप्ट भी जहां जरूरत होगी वो भी हम इसको देखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच एक्ट इज द फर्स्ट लेजिस्लेचर विच गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड प्रोहिबिटेड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। भैया पहला कौन सा एक्ट था, ये नहीं पूछ रहा कि ये वाले एक्ट के बारे में, ऐसा कौन सा पहला एक्ट था जिसमें अलग से भैया किन किन एक लिस्ट बताई गई थी। लिस्ट मतलब जैसे अभी अपन देख रहे हैं ना लिस्ट, तो इस एक्ट में भी लिस्ट है, तो क्या ये पहला एक्ट है, क्या इसके पहले भी कोई थी, कि कौन कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है। क्योंकि हमें पता है इसके पहले एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से गवर्न होता था, अभी ये एक्ट है। लेकिन मैं इनके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल सीधा सीधा पूछ रहा हूँ कौन सा पहला एक्ट था जिसमें ये लिस्ट वगैरह बताई गई थी, कौन कौन से एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, किनको किस किस कैटेगराइजेशन में रखा जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा पहला एक्ट था, तो ये सीधा सीधा कह रहा है ऐसा जो पहला एक्ट था, नहीं भैया बी नहीं था, इस एक्ट, ये एक्ट तो था लेकिन इसमें लिस्ट नहीं थी, जो लिस्ट से संबंधित है ये पहला एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो यहाँ पे आप घूम सकते हो, तो याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जिसमें दी गई है कि भैया किसकी हंटिंग एंडेंज कौन से एंडेंजर्ड है, किसको हंटिंग प्रोहिबिट की गई है, ऐसा पहला एक्ट आपका यही है। इसके पहले और भी एक्ट थे लेकिन किसी में भी लिस्ट वगैरह बात नहीं की थी। अब इसको इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक्ट बनाया गया है, कि इसमें लिस्ट वगैरह को बना के भी आपको बताया गया कि लिस्ट में क्या होगा लिस्ट में क्या नहीं होगा। तो इस एक्ट को जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दो चीजें हो जाती है, अगर इसके पहले कौन सा एक्ट था, वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था तो लेकिन इतना कॉम्प्रेहेंसिव आपके लिए नहीं था, तो ये देखना है। सपना क्या लगा रही है, डी लगा रही है, सपना डी क्यों लगा रही हो, ये तो बाद का एक्ट है ना, ये तो अलग अलग ही चीज हो गई। चलिए पहला एक्ट पूछा गया, इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है, लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है भैया लास्ट अमेंडमेंट। अभी मैंने इसका जम्मू कश्मीर वाला अमेंडमेंट हटा दीजिएगा, जम्मू कश्मीर वाला मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के अलावा वाला बताइएगा, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, एक्सेप्ट J&K, इन ऑप्शंस में से आज से देना, इसका सीधा सीधा मतलब है इन इन ऑप्शंस में से लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है, अकॉर्ड इन दीज ऑप्शंस लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है, इन ऑप्शंस में से अमेंडमेंट तो होते रहते हैं, इन ऑप्शंस में से लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं ठीक है ए, कुछ लोग बता रहे हैं बी, ईयर बताइए कौन सी सेक्शन हुई है यहाँ। दीपाली अब बहुत पीछे चल रही हो, दीपाली थोड़ा सा आगे कर लीजिए अपना थोड़ा सा वीडियो को, हम पहुंच चुके हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, शायद आप लाइव में दोबारा आइए, आप पीछे क्वेश्चंस को डील कर रही हो, थोड़ा सा मेरा ये है कि आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। इन एक्ट में से इनमें कब हुआ है सबसे पहले, तो कब हुआ है इनमें से, लास्ट डेट क्या है आपकी, तो इसकी लास्ट डेट देखिएगा इन ऑप्शंस में से जो सबसे लास्ट अमेंडमेंट है दैट इज 2003। इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद नहीं हुआ, इसके बाद 2006 में भी हुआ है और रिसेंटली अमेंडमेंट 2019 में भी हुआ है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से इसका मतलब होता है इन ऑप्शंस में से लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है, तो इन ऑप्शंस में से लास्ट अमेंडमेंट 2003 में हुआ है। और भी अमेंडमेंट हुए, ऐसा नहीं है कि यही बस अमेंडमेंट हुए, इसके अलावा और भी अमेंडमेंट हुए, लेकिन और इस ऑप्शन के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो इस ऑप्शन के हिसाब से अमेंडमेंट आपका लास्ट 2003 में हुआ है। चलिए हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देखो लिखा है ना, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्ट पास इन पार्लियामेंट ऑन द ईयर एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन। भैया पार्लियामेंट में कब पास किया गया और कब से लागू हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब से पास किया गया, पार्लियामेंट में कब से पास किया और लागू कब से हुआ है, जल्दी बोलिए पार्लियामेंट में कब पास किया गया। अब प्रेसिडेंट असेंट ही नहीं पूछी आपने, उसने पार्लियामेंट में कब से पास किया गया और लागू कब से किया गया है, तो अब एक आपको दिमाग लगाना है।
अब एक आपका दिमाग कॉन्सेप्ट चलेगा, आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं है पार्लियामेंट में कब पास हुआ। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं बताया, हर डेट याद करनी नहीं है। अब इसमें आप क्या लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। मैंने बताया था लागू कब से किया गया था इम्प्लीमेंट, तो मैंने बताया था एमपी में उसको लागू किया गया, एमपी में, ठीक है। एमपी में इसको कब से लागू किया गया है मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो इसमें एक डेट मैंने बताई है प्रेसिडेंट असेंट की, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट असेंट की जो डेट बता दी गई है उसी को मतलब उसने क्या किया, इंप्लीमेंटेशन की डेट उसने मान ली है वहां पे। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से देखिएगा, क्या मैंने कहीं पर भी 2 जून का जिक्र किया है? नहीं कहीं भी, क्योंकि 1970 है, ये आपका जिक्र ही नहीं है। ना 1971 का जिक्र हुआ है, ना 21 जून का कहीं जिक्र हुआ है, ना कहीं पर भी सितंबर 11 सितंबर का जिक्र किया है, ना कहीं भी अक्टूबर का जिक्र है, ना ही 9 नवंबर का। लेकिन मैंने इसका जरूर जिक्र किया था 9 सितंबर 1972, और 9 सितंबर 1972 को मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था 9 सितंबर 1972 को कि इस दिन क्या करी थी, प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी। तो प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी, तो अब जब एक ऑप्शन ये सही हो जाता है तो इसके साथ आप ये मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने पास कब किया था, 21 अगस्त को पास किया था, देन प्रेसिडेंट असेंट मिलती है 9 सितंबर 1972 को। और ये एक्ट एमपी में कब लागू होता है, ये एमपी में लागू होता है 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी 1973, ये 25 है, ठीक है, 25 जनवरी 1973 में ये एमपी को एक्ट लागू हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो एमपी को देखो इसलिए उसने इम्प्लीमेंट बोल दिया है क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग डेट है। तो अब इसने नॉर्मली बोल दिया कि इम्प्लीमेंट हम इसी डेट से मानेंगे, और अगर स्टेट चाहे तो अपने यहाँ अलग अलग डेट को भी वो क्या कर सकती है, इसको लागू कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बाय यूजिंग द प्रोविजन ऑफ विच। अब भैया बार बार आप पढ़ते हो एससी एसटी एक्ट में, तो पूछा था एससी एसटी एक्ट को कौन सी पावर को यूज करके बनाया, तो बोलता है एससी एसटी को बनाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पावर, सॉरी पार्लियामेंट ने जो पावर यूज की थी वो आर्टिकल 17 की यूज थी, ठीक है। ऐसा पूछते हैं ना, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कोई जो महिलाओं या बच्चों के लिए जैसे पॉक्सो एक्ट है, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, या डाउरी प्रोविजन एक्ट है, या अन्य प्रकार के एक्ट है, कभी पूछा जाए कि उनको बनाने के पीछे पार्लियामेंट ने कौन से आर्टिकल की शक्तियों को यूज किया है, तो आप बोलोगे 15(3), ठीक है, 15(3), क्योंकि महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी शक्तियों को यूज करके ये एक्ट बनाया गया है, तो आंसर क्या आएगा, 14 का, क्या आंसर होगा 14 का, सोचिए शक्तियों को कौन सा यूज किया गया है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, भी आंसर सही नहीं आ रहा। जल्दी बताइए फटाफट, क्या होगा, तो देखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन माना गया, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, एग्जाम में जो आंसर माना गया दैट इज 252, ठीक है। लेकिन इसको एक बार रीचेक अपन करेंगे इसके साथ, एक बार आप लोग भी इसको चेक करिएगा डी के साथ एग्जाम में, क्योंकि 252 में बोलता है ना कि राज्यों के लिए कौन, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, और कंकरेंट लिस्ट में कौन कानून बनाता है आपको पता होगा, कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाता है आपका केंद्र, राज्य भी बना सकते हैं, लेकिन जब 2 या 3 राज्य क्या करते हैं सहमति दे देते हैं कि हमारे लिए बनाइए। आप एक चीज देखिए ना यहाँ पे, थोड़ा सा आप एक चीज देखिए, एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक सोचिएगा कॉन्सेप्ट, एक्ट कब का है 1972, है कि नहीं है 1972 का, भी आप लोग बोलोंगे एक्ट कब का है 1972 का। 1972 में ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो किसका हिस्सा था, वो स्टेट लिस्ट का था, पहले स्टेट लिस्ट का हिस्सा था भैया जब बना था। और ये 1976 में आके, 4 साल बाद आके, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसे हमने कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा बनाया। तो जब ये बना था 1972 में तो ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा था, जब स्टेट लिस्ट का हिस्सा था तो स्टेट लिस्ट पे यहाँ पे तो कानून जो क्या है डीपीएसपी, तो केवल राज्य से कह रही कानून बनाने को, तो भैया जब स्टेट लिस्ट का हिस्सा था तो बहुत सारी स्टेटों ने कहा कि हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे और आप हमारे लिए कॉमन लॉ बनाइए। तो स्टेट ने क्या किया, जब स्टेट ने बोला तो आर्टिकल 252 में जब बहुत सारे राज्य क्या बोलते हैं मिलकर केंद्र से किसी बोलते हैं कि हमारे लिए कानून बनाइए, तो उन्होंने क्या किया कानून बनाया। इसलिए तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि देखिए 252 की पावर को यूज करते हुए सेंट्रल ने लॉ बनाया, और जब सेंट्रल लॉ बनाती है 252 में तो राज्य क्या करते हैं उसे पास करते हैं कि हाँ भैया आपके लॉ से हम बड़े सहमत हैं, आपका लॉ बेहतरीन है। और इसने क्या किया, तो इसलिए मैंने बोला 25 क्या है जनवरी
1973 को क्या कर दिया उन्होंने, उन्होंने इस पे साइन कर दिया, टिक कर दिया, और कहा कि देखो भैया ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में पूरा कि क्यों हम स्टेट लिस्ट पढ़ रहे थे, इसलिए मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ। अब आपसे बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे, अरे सर ने 252 बता दिया, तो भैया 252 इज अ राइट आंसर। क्यों 252 राइट आंसर है, क्योंकि 1972 की बात है, 1972 में जब ये एक्ट बनाया गया, तो 1972 में जब ये एक्ट बनाया गया तो ये कैसा एक्ट था, ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। जब स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था तो स्टेट लिस्ट में सेंट्रल कैसे कानून बना रही है, कानून सेंट्रल इसलिए बना रही है क्योंकि राज्यों ने सहमति दी थी हमारे लिए बनाई है, और जब राज्यों ने सहमति देती है 252 में तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए, जब राज्य क्या राज्य सहमति देते हैं तो बाद में राज्य को अपने वहां पे वो एक्ट को पास करना पड़ता है कि हाँ आपने जो एक्ट बनाया है उस एक्ट से सहमत है, तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट चलता है, इसलिए आपको आर्टिकल 252 लगाना है, ना कि 51A और 40। 51A तो किसी हालत में नहीं हो सकता, और 134 भी किसी हालत में नहीं हो सकता। 150 तो आपकी ड्यूटीज के बारे में बताता है, हाँ ये हो सकता था, अगर ये ऑप्शन ना होता तो कह सकते थे इससे संबंधित है डीपीएसपी से, लेकिन भैया इसकी पावर यूज थोड़ी ना की जाएंगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भैया, ये बताइए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये शायद आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बताया भी नहीं होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को ये चीज पहली बार पता चली है। अभी एग्जाम में 20 दिन बचे हैं, 20-25 दिन, और ईमानदारी से बताइएगा, सबको पढ़ के बैठे, मुझे पता है कि जितने लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मोस्टली बच्चे क्या होंगे, कहीं ना कहीं आपने आपने मैं तो बोलता हूँ सेल्फ स्टडी की होगी, या किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा, या किसी का गाइडलाइन लिया होगा, किसने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैं ये कह नहीं कहता किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि बहुत कम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो मैंने इसलिए ये वाला एमसीक्यू में डाला कि मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी कराऊंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो ये क्या होगा, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आप लोग घूम जाएंगे भैया, आधे से ज्यादा लोग ये कहेंगे 252 हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, बोले वहां तो राज्य के लिए केंद्र, तो भैया कॉन्सेप्ट आपका ये आ जाता है। और अब आपसे कभी कोई पूछे कि भैया ये वाली एसेंट क्यों दी गई, जिसमें राज्य क्यों इसको कर रही, तो बोलते राज्य इसलिए कर रही है, अब ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 विल एक्सटेंड टू, कहां पर एक्सटेंड होगा भैया, 15 का कहां तक एक्सटेंड होगा, अब कहां एक्सटेंड होगा, 2019 में संशोधन हुआ है, तो वेयर टू इट इज, यहां भी अब कहां पर एक्सटेंड होगा, ये अब एक्सटेंड होता है कहां पर, ऑल ओवर इंडिया पे, कुछ नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन, अब तो ऑल इंडिया पे लगाएंगे, पहले क्योंकि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब तो सब जगह लागू होने लगा है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 पास्ड, भैया पास कब हुआ, आ गया ना बढ़िया दिल का क्वेश्चन, आ गया दिल वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, दिल से लगाइएगा इसको, ठीक है आराम से लगाइए, फटाफट बताइए कि व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 पास्ड, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 कब पारित किया गया, कब पास हुआ ये एक्ट, कब हुआ जल्दी बताइए फटाफट, कब, डेट, डेट बता चुका हूं, रटवा चुका हूं, बता भी चुका हूं, रटवा भी चुका हूं, केवल बता नहीं चुका, रटवा भी चुका हूँ, ठीक है बार बार बता रहा हूँ डेट डेट, और इसको याद रखना है आपको, दैट इज 9 सितंबर, 9 सितंबर, ठीक है, इसको क्या है पास किया गया था प्रेसिडेंट असेंट के माध्यम से, ठीक है, इसको 9 सितंबर को इसको पब्लिश किया गया था, 9 सितंबर को जब हम वो सॉरी 9 सितंबर को प्रेसिडेंट असेंट मिली थी, तो इसी डेट को हम क्या कह देते हैं, बोल देंगे पास किया गया था, क्योंकि बाद में क्योंकि ये केंद्र साइन किया, देखो राज्यों ने जब सहमति, केंद्र ने कानून बनाया था, केंद्र कानून बना दिया, जिस दिन केंद्र ने कानून बना दिया उसी डेट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको पास कर दिया गया। अब राज्यों को अपनी अपनी सहमति देनी थी, तो हर राज्य ने अपनी अपनी अलग अलग सहमति इसको दी है, जैसे एमपी की बात करते हैं, तो क्योंकि एमपी का भी हम पढ़ रहे हैं, एमपी का तो 25 तारीख को हमने सहमति दे दी थी, 25 जनवरी 1973 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 इंप्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश, लो भैया मध्य प्रदेश भी पूछ लिया गया, अब क्या बचा पूछने के लिए, सब कुछ तो पूछ लिया, मध्य प्रदेश में भैया कब से आया जल्दी बताइए फटाफट, कि व्हेन इट इज, व्हेन दिस एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कब इंप्लीमेंट किया गया, 17th क्वेश्चन को आपको बताना है, 17th, तो ये बार बार ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी अभी अभी जिक्र किया, 25 जनवरी, देखो क्वेश्चन याद हो जाएंगे आप लोग,
कल का सेशन और है वाइल्ड लाइफ का। मैं आपको देखिए क्या कर रहा हूँ, आप लोग खुद देख रहे होंगे, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि केवल मैं आपको एमसीक्यू ना लगवाऊं, एमसीक्यू के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो इसके साथ भी क्लियर कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, एमसीक्यू भी। कल भी एक सेशन है तो आपका बहुत हद तक मेरा विश्वास है कि आपके एमसीक्यू और बहुत हद तक वाइल्ड लाइफ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशंस भी करेंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा मेरे से, टेलीग्राम में मैं टाइम टेबल वगैरह इसका डाल दूंगा, तो जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में जुड़ जाइए, @विधिक जागरूकता, विधिक जागरूकता में हम आपको जागरूक करते रहेंगे। ठीक है, आंखें दर्द हो लगी, क्लियर नहीं दिख रहा, चश्मा लगवाओ भैया, क्लियर नहीं दिख रहा, कहाँ नहीं दिख रहा क्लियर भैया, क्या क्लियर नहीं दिख रहा, इससे ज्यादा क्लियर क्या दिखा दें आपको, क्या नहीं दिख रहा क्लियर, किसको नहीं दिख रहा क्लियर, और कोई को कोई और ऐसा है जिसको क्लियर नहीं दिख रहा हूं, किस किस को क्लियर नहीं दिख रहा, अनु को कह रही है हमें क्लियर नहीं दिख रहा, कल किसी को क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी, अब क्लियर दिख नहीं रहा भैया, वीडियो की क्वालिटी आप जाके 1080 तक कर सकते हो, 1080p तक कर सकते हो आप, फुल HD में भी आप देख सकते हो, अपनी सेटिंग में जाइए और 1080 कर लीजिए, आपका डाटा भर जरूर खत्म होगा लेकिन हमारे यहाँ से पूरी फैसिलिटी है भैया, आपको 1080 पे दिख जाएगी, और बोलो तो कल 4K पे भी दिखा दे, हमारे यहाँ 4K वीडियो की भी क्वालिटी है, बोलो तो कल 4K में दिखा दे, इसलिए 4K पे नहीं कर रहे, आपका डाटा जल्दी खत्म होगा, तो मैं आपसे कहता हूँ आप लोग अपना बढ़िया 360 या 480 पे करके देखिए, उसमें आपको ठीक रहता है, बहुत ज्यादा क्लियर होगा भैया, पता नहीं कैसा दिख नहीं रहा, या तो मोबाइल की स्क्रीन में आपने कुछ ऊपर नीचे लगा लिया है, मेरे हिसाब से तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी देखो ऐसा नहीं है, हम लोग भी साथ में वीडियोस देखते जाते हैं, क्या पॉज हो रही है नहीं हो रही, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ भी चल रही है वीडियो और हम भी नॉर्मल स्पीड पे ही देख रहे हैं, नॉर्मल भी देख रहे हैं, देखो वो भी हमारे यहाँ कोई कमेंट पढ़ने के लिए हम लोग भी देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है आप लोग जो कह रहे हो कि हम नहीं देख रहे, हमें कुछ भी होगा तो हम लोग भी ऑलरेडी देख रहे हैं सारी चीजें, तो यहाँ से देखो सारी चीजें पता चल रही है कि क्या कैसा चल रहा है, पूरा तो क्लियर दिख रहा है, देखो कहाँ क्लियर नहीं दिख रहा, अनु कह रही है क्लियर नहीं दिख रहा, देखो वो साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल, मतलब और वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, मैं नॉर्मल वीडियो क्वालिटी पे ही देख रहा हूँ, जब नॉर्मल में मेरे यहाँ दिख रहा है तो आपके यहाँ तो दिख ही रहा होगा, मैं 480 के आसपास देख रहा हूँ, चलिए पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कल हुआ था कि कुछ लोग कह रहे थे दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, अब जो भी हो सिग्नल की प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, तो ये चार स्टेटमेंट दिए गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा गलत है, एंश्योरिंग द कंट्री, ये ठीक है, एकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में बात करती है, प्रोटेक्ट जोग्राफिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, एंश्योरिंग द एनवायरनमेंट सिक्योरिटी टू द कंट्री, टू टू मेक प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, कौन सा भैया गलत है जल्दी बताइए, 18 का कौन सा आपका गलत है, प्रोविजन जो है 18 में इसमें से कौन सा आपका गलत है, मतलब क्या ये एक्ट किसके बारे में बात नहीं करता है, देखिए गलत बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि कौन सा सही है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, तो अगर हम आज देखते हैं तो इन स्टेटमेंट में जो गलत है वो स्टेटमेंट है, ये एक्ट किसके बारे में बात नहीं करता है, ये किस क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 18 18 का आपका सी है, ये ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करता है, ये किसके बारे में है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, इकोलॉजी के बारे में बात करता है, और वाइल्ड लाइफ के बारे में तो प्रोटेक्ट के बारे में बात करता ही है, तो राइट आंसर आता है सी, ये इस एक्ट इस चीज के बारे में बात नहीं करता, तो आप इस चीज को जरूर देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रगति सपना नीता, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991 हैज मेड द फॉलोइंग चेंजेस इन द लॉ, मतलब भैया इस एक्ट के माध्यम से जो 1991 का जो अमेंडमेंट था ना, इसको आप बोल सकते हो ये अमेंडमेंट था, ठीक है, एक प्रकार से अमेंडमेंट था जिसको बोलते हैं संशोधन, इस संशोधन के माध्यम से क्या क्या चेंजेस किए गए थे, वन्य जीव संरक्षण 1991 की विधि में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया था, व्हाट आर द चेंजेस आर बी मेड, कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, जल्दी बोलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, टू प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को और ज्यादा हमने प्रोटेक्ट किया था, ठीक है, इनेक्टमेंट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एक्ट इन 1972, इनेक्टमेंट वगैरह किया था, ठीक है,
एनहांसमेंट अर्थात जो दंड थे हमने एनहांस किया था, एनएक्टमेंट नहीं एनहांस किया था, दंड को बढ़ाया था, कंप्लीट बैन ऑन किलिंग स्पेसिफिक स्पीसीज, कुछ स्पीसीज को टोटली बैन कर दिया था कि आप किल नहीं कर सकते, तो क्या किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो भाई हमने सब कुछ कर दिया था। मतलब हम चाहते हैं बार बार जो भी अमेंडमेंट इस एक्ट में करते हैं, इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि इस एक्ट को हम और बेहतर तरीके से क्या करें, और बेहतर तरीके से लोगों को इस एक्ट के लिए बनाएं, और इसको और बेहतर तरीके से क्या करें, एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। तो देखिए 19 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन है आज, 40 क्वेश्चन, ठीक है 40 क्वेश्चन। बीच बीच में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपको बताना पड़ रहा है, जहां जरूरत है वहीं पे बताएंगे, हर जगह नहीं बताएंगे। चलिए, द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अभी बताया, ये तो अब याद हो रहा जाना चाहिए, पहले कौन सी लिस्ट का था, अब कौन सी लिस्ट का था। अभी इसका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दिया आपको, इवन ये बता दिया स्टेटनेस में क्यों आपको सैंक्शन वगैरह दी थी, तो इसका तो पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर आपको सम स्टार्ट होता है, ठीक है, किसका है, किसका है सब्जेक्ट, देखो द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल लिस्टेड इन द, किस लिस्ट में है, इज इन द लिस्टेड, किस लिस्ट पे है, तो भैया ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और वाइल्ड लाइफ किस पर है, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें सेवेंथ शेड्यूल की जो एंट्री है, कौन सी एंट्री है, एंट्री 17B, सेवेंथ शेड्यूल की थर्ड लिस्ट, सेवेंथ शेड्यूल लिस्ट थर्ड एंट्री 17B आपको याद रखना है, ये इससे रिलेटेड है। चलिए भैया क्वेश्चन के बाद थोड़ा हट जाया करेंगे, क्लियर हुआ, हट गए, अब दिख रहा है, अब इसमें इतना अपन को टेक्निकलिटीज पे नहीं पड़ते ना, अब हटने हटने का हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। चलिए कोशिश करेंगे अब हटने की, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, वॉट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एनिमल। अभी अभी एनिमल की डेफिनेशन बताई थी, देखिएगा इसलिए तो एनिमल की डेफिनेशन बता दी थी कि आज एनिमल का क्वेश्चन है, फिर बोलना ना कि एनिमल में ये आता और ये नहीं आता। लिखा है वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत प्राणी की परिभाषा में शामिल किया गया है, किसे कर दिया है हमने शामिल इसमें, वो किसको इंक्लूड किया है प्राणी में, प्राणी में किसे इंक्लूड किया है, तो हमने इंक्लूड किया है सभी को, इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, हमने किसको इंक्लूड किया, किसी को ना छोड़ा, हमने कर दिया, हमने कहा कि इसमें बर्ड्स भी आती हैं, उसके अंडे भी आते हैं, उसको रैगिंग क्रिएचर्स वगैरह भी आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर माना जाएगा, सबको हमने इसमें शामिल किया है, ठीक है, सभी इसमें क्या है आपके इंक्लूड माने जाएंगे। इज इट नाउ क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1972, ठीक है, द एनिमल हैज बीन इंक्लूडेड अंडर, एनिमल को कहां पर इंक्लूड किया गया, फॉरेस्ट एनिमल एक्ट, ये फॉरेस्ट एनिमल एक्ट का मतलब है वन्य प्राणी अधिनियम, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा वाइल्ड लाइफ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ये, इसको लिख लीजिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एनिमल को इंक्लूड किया गया है अंडर, किसके अधीन एनिमल को इंक्लूड किया गया, जल्दी बताइए आंसर 22 का, किसके किया गया, टू मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स, में मैमल्स बर्ड रेप्टाइल्स आएंगी, वाटर वेरिएबल फिशेस वगैरह आएंगी, या इसमें कौन आएगा, बैन रिज्म एंड इन, ठीक है, इंटरविट्रिस, क्या होगा इसमें इंक्लूड, जल्दी बताइए फटाफट, व्हाट इज इंक्लूड अंडर दिस, इसमें क्या इंक्लूड होगा, तो इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा, अभी अभी एनिमल्स पढ़ा, एनिमल्स भी हमने अभी अभी पढ़ लिया, एनिमल्स में सारी एनिमल्स आपके इंक्लूड किए गए, इसमें मैमल्स भी आते हैं, इसमें बर्ड्स भी आते हैं, इसमें एम्फीबियंस भी आते हैं, इसमें वाटर लैंड वेरिएबल्स भी आते हैं, जो मतलब जमीन और जमीन पर भी रहते हैं, और जो जमीन के साथ साथ अन्य जगहों पे, और इसमें फिशेज भी आपकी आती हैं, तो इसमें हमने सबको इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा, एनिमल अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1972 डू नॉट इंक्लूड, कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के पशु वस्तु हटा दीजिएगा, पशु के अंतर्गत शामिल नहीं है, व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन, अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि अब ये तो पता है कि पशु में क्या क्या आता, अभी पढ़ लिया, अब पशु में क्या क्या नहीं आएगा ये देखना जरूरी है, अ प्रिजनर और एन ऑब्जेक्ट मेड फॉर द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट एनिमल एक्ट, बार बार लिखा है फॉरेस्ट एनिमल एक्ट की जगह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करेंगे, वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट, ये समझ लीजिएगा बार बार, आप जो गलती होगी तो उसको देख लीजिएगा, या एनी आर्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज होल पार्ट ऑफ एनी वाइल्ड लाइफ हैज बीन यूज्ड वगैरह वगैरह, इसमें आता है मटेरियल ऑब्टेंड फ्रॉम हार्मफुल एनिमल। अगर हार्मफुल एनिमल से अगर आप कोई क्या करते हो, कोई वस्तु प्राप्त करते हो, तो वो इस अधिनियम के अधीन इंक्लूड उसको नहीं किया गया, वो एनिमल में इंक्लूड नहीं होती। हार्मफुल मतलब जो आपको जोखिम वगैरह पहुंचा रहा था एनिमल, ऐसे एनिमल की यहाँ पर बात की गई है। 23 हो जाता है, 23 के बाद हम आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। लिखा है क्या है 24, अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1972 एनी एनिमल स्पेसिफाइड इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है, इस एक्ट के तहत जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 है, विच इज कैप्चर्ड और बॉर्न इन कैप्टिव कंडीशन इज कॉल्ड, ऐसे जानवर जिनको कैप्टिव, ठीक है, जिनको कैप्चर किया गया है, मतलब कैप्चर वगैरह बंदी दशा में जन्मा है या वो वहां पर क्या होता है कहलाता है, ऐसे जानवर को क्या कहलाते हैं, जो जानवर बंदी, मतलब बंदी मतलब जो कहीं पर रखा हुआ था बंदी वगैरह में, तो उनको कहां पर उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। का क्या होगा इसका आंसर 24 का, 24 का आंसर होगा इट इज डी, इसका आंसर माना जाएगा डी। इसको कैप्टिव एनिमल भी बोलते हैं, बंदी जो प्राणी होते हैं ना, बंदी प्राणी, इसका नाम ही है कैप्टिव एनिमल, बंदी प्राणी इसको बोला जाता है। कैप्टिव एनिमल कहाँ बताए गए हैं, ये आपको 2 का 5 में, इसके डेफिनेशन आप जाके देखेंगे, ये जो आप क्वेश्चन पूछा गया है 2 के क्लॉज 5 से पूछा गया, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 5 में आप जाके डेफिनेशन पढ़िए, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा 2 के 5 में, आप जाके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, अ परमानेंट और मोबाइल एस्टेब्लिशमेंट व्हिच एनिमल आर केप्ट फॉर यूज फॉर आर्ट और स्किलफुल मूवमेंट इज कॉल्ड, वह स्थाई अथवा चलित स्थापना जहां पशुओं को रखा या उनका उपयोग कला या कौशल युक्त चाल के लिए किया जाता है कहलाता है। ये तो सबने देखा होगा बचपन में, ये तो सबने बचपन में देखा है, अब जिसने गलत किया उसने मतलब नहीं देखा, जिसने गलत किया उसने नहीं देखा, बाकी सबने देखा है। क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए, क्या आंसर होगा, हंट, ठीक है, आई हंट, आई इन सर्कस, बैन, एनिमल गार्डन, कैन फॉरेस्ट पार्क, इसका क्या आंसर लगाएंगे, तो भैया ये है आपका सर्कस। सर्कस एक ऐसी जगह होती है, बोल रहा है पर मोबाइल, मोबाइल का मतलब यहाँ पे होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या परमानेंटली भी कहीं कहीं सर्कस लगा होता है, कहीं कहीं मोबाइल, मतलब सर्कस आप देखते हो ना एक जगह से दूसरी जगह लगता है, इस्टेब्लिश किया जाता है एनिमल को, यहाँ पे एनिमल को रखा जाता है, क्यों एनिमल को रख के यहाँ पे एनिमल को यूज करते हैं, क्यों एनिमल आर्ट और स्किल्स अपनी दिखाता है, जैसे आपको देखा होगा कि हाथी साइकिल चलाने लगता है, शेर क्या करता है, कोई पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ करते हैं, बंदर कोई अलग चीजें करता है, तो ये सारी चीजें को स्किल्स वगैरह पे डिपेंड करती है, लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें पे बैन लग गया है बहुत सारी जगह पे। चलिए आगे हम बात करते हैं, मीन्स द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिला अध्यक्ष से अभिप्रेत है, मतलब इसमें जो एक्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट जो वर्ड है ना, एक थोक देखो आता है, आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट वगैरह करके होता है, जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। यहाँ पे आप इसको सीधा सीधा लिख लीजिएगा, इसमें कलेक्टर लिख लीजिएगा, कलेक्टर से अभिप्रेत क्या है, हु इज अ कलेक्टर अंडर दिस एक्ट, जिलाध्यक्ष आप मतलब लिख लीजिएगा कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर को जिला अधिकारी भी बोलते हैं, जिलाधिकारी कर लीजिएगा, कलेक्टर से संबंधित कौन है, हु इज, ठीक है, कौन है भैया कलेक्टर, में कलेक्टर की जो डेफिनेशन दी गई है, वेयर इट इज गिवन, कलेक्टर की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, इस एक्ट में, एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 9 में कलेक्टर की डेफिनेशन दी गई है, तो बोल रहा है कलेक्टर में कौन इंक्लूडेड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हो आप उसे, मेनली वहां पे कलेक्टर शब्द लिखा है तो हम कलेक्टर को लेके वहां पे चलेंगे, हु इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टर, तो बोल रहा है कलेक्टर में भैया कौन इंक्लूडेड, चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या होता है, हेड होता है, चीफ ऑफिसर होता है, या वो दूसरा बोल रहा है सच ऑफिसर जिसकी जो डेप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इससे रैंक से नीचे का नहीं होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा सी, दोनों इसमें क्या किया गया है आपने इंक्लूड कर लिए हैं, 26 में हमने क्या है दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो बोल रहा है डीलर्स इन रिलेशन टू एनी कैप्टिव एनिमल
आर्टिकल ट्रॉफी अनप्रोसेस ट्रॉफी मींस और स्पेसिफिक एनिमल मींस सच पर्सन, कौन होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी बताइए। इसका आंसर लिखा है व्यवहारी, व्यवहारी से किसी बंदी प्राणी, प्राणी वस्तु, ट्रॉफी असंसदित ट्रॉफी, मांस या विनिष्पा पादपों के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। किस टाइप का व्यक्ति अभिप्रेत है? 27 का आंसर कौन आएगा? 26 का आंसर, तो इसमें भी लिखा है विच इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ सच, जो नेचुरल हैबिटेट होता है सच वाइल्ड लाइफ का, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो इन ट्रांजेक्शन में जुड़ा होता है, इट मींस बोथ ऑफ बोथ बी। ठीक है, मतलब जो इसका आंसर आएगा बी एंड सी बोथ, मतलब आप लिखोगे बोथ आ जाएगा, ए एंड बी बोथ इसमें आ जाएगा, दोनों इसमें क्या किए गए, इंक्लूड किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कम्स अंडर द नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक निवास के अंतर्गत आते हैं, व्हाट आर कम्स अंडर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट के अधीन कौन आता है? नेचुरल हैबिटेट जिसको प्राकृतिक आवास बोलते हैं इसमें कौन आता है? 28, जो नेचुरल हैबिटेट होता है जिसको प्राकृतिक आवास बोलते हैं, इस प्राकृतिक आवास में हमने किसको इंक्लूड किया है? क्या होगा इसमें, किसका आएगा? 28 का, इसमें लैंड दैट दैट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल, वाटर, इसमें लैंड आएगा, वाटर आएगा या वेजिटेटिव साइट आएगा, इसमें किस चीज को हम लेके आएंगे? तो ये कह रहा है कि इसमें तीनों चीजों को आएंगे। भैया नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक निवास, प्राकृतिक निवास में आपकी लैंड भी आती है जमीन में कुछ, क्योंकि कुछ जानवर जमीन में रहते हैं, इसमें वाटर आता है क्योंकि कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ वेजिटेटिव, वेजिटेटिव साइट्स का मतलब होता है पेड़ पे रहते हैं, जैसे बंदर अंदर हो गए आपके जिसमें मॉन्की वगैरह बोलते हैं, ये कहाँ रहते हैं? पेड़। इस प्रकार की कुछ जानवर जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ जमीन के ऊपर रहते हैं, पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पानी में दोनों में रहते हैं, और कुछ आपके पेड़ पौधों में रहते हैं। तो इस प्रकार की हमने सबको इंक्लूड कर लिया है नेचुरल हैबिटेट में, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड अंदर दिस। ये क्वेश्चन हो गया कि दोबारा सेम आ गया है? 28 दो बार हो गया है, 20 अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा दो बार हो गया है, ठीक है इसको काट देते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत आखेट को परिभाषित किया गया है, आखेट का मतलब क्या होता है भैया? हंटिंग, अभी अभी मैंने आपको हंटिंग की डेफिनेशन भी बताई थी, आखेट का मतलब होता है हंटिंग, हंटिंग को कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है हंटिंग की। हंटिंग में केवल किसी को मारना नहीं, किसी को आप बो कर रहे हो, किसी को जहर दे रहे हो, किसी को कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ हंटिंग के अधीन आ जाता है। तो हंटिंग शब्द को कहाँ पर डिफाइन किया है? आखेट मतलब हंटिंग, हंटिंग में किसी को पॉइजन देना, उसको पॉइजन दे के मारना, उसे गोली से मारना, उसे किसी प्रकार से क्लिंग करना, उसके हाथ पाँव तोड़ देना, ठीक है, उसके किसी शरीर के किसी भाग को आप निकाल लेते हो, कुछ भी करते हो, सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो 29 का क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। 29, 29, तो 29 का आपका आंसर आता है दैट इज सी, 2 के 16 में इसको हमने क्या किया है, परिभाषित किया। डेफिनेशंस को थोड़ा सा याद करते जाइएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं और डेफिनेटली आपसे पूछी ही जाएंगी, ये मान के चलिए कि डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये आपसे पूछी जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लिखा है शासकीय संपत्ति से तात्पर्य है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जल्दी बोलिए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से क्या अभिप्रेत है, क्या है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? सेक्शन 39 में की प्रॉपर्टी, 17H की कोई प्रॉपर्टी, उपभुक्त सभी या कोई अन्य? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, तो इसमें भैया दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसमें दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब है, जो प्रॉपर्टी सेक्शन 39 के तहत आ रही हैं या जो प्रॉपर्टी सेक्शन 17H। अब समझिएगा सीधा सीधा, अगर आपने किसी जानवर को मार दिया या कोई जानवर मर गया अपने आप, आपने किसी जानवर को मार दिया, कोई जानवर अपने आप मर गया, तो ये किसका जानवर है? क्या आपने मारा तो आपका हो गया? नहीं भैया, पुराना जमाना तो ही ना कि हमने किसी को किल कर लिया। अगर कोई जानवर अपने आप भी मर जाए या किसी जानवर को
आप मार देते हो तो ये यक, जैसे आप जाइए किसी वाइल्ड लाइफ में, कोई पेड़ अपने आप गिर जाए, सूख कर भी गिर जाए, या किसी पेड़ को आप काटते भी हो, सबके सब वो पेड़, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में तो सब कुछ आ रहा है ना, वो पेड़, वो जीव जंतु सब किसकी है, सरकार की संपत्ति है। आपको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दंड मिलेगा तो आप इसको ले जाओगे, नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि संपत्तियां तो सारी सरकार की मानी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा होगा, क्या बोल रहा है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत किसी वन्य प्राणी या बंदी प्राणी को मारना या उसे विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न कहलाता है। अभी अभी बताया है आपको, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अभी आपको मीनिंग भी देख लीजिएगा, अभी अभी इसका आंसर बताया, तो क्या होता है, मैंने बताया पॉइजनिंग किसी को देना, किसी को किलिंग और पॉइजनिंग, ये तो अभी नॉर्मल आपसे चीज पूछी गई थी, हंटिंग में अभी आपको बता चुका था। अब दो चीजें पूछ सकता है इस प्रकार से, किसी चीज को मारना, ठीक है, प्राणी या बंदी प्राणी, दोनों प्राणियों को मारना, नॉर्मल प्राणी या बंदी, उसको मारना या विष देना, मैं तो इसमें और भी चीजें इंक्लूड करूंगा, उसके हाथ पांव तोड़ना, कोई भी चीजें करना, क्या अधीन आएगा, ये आपका हंटिंग के अधीन आता है, इट इज अ हंटिंग, हंटिंग को बोलते हैं आखेटन, ठीक है, आखेट या आखेटन बोला जाता है, ये सारी की सारी चीजें हंटिंग के अधीन इंक्लूड कर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भूमि के अंतर्गत शामिल है, भैया भूमि में क्या क्या शामिल है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द लैंड, डेफिनेशन लैंड की दी गई है, लैंड की डेफिनेशन 217 में दी गई है, जो 217 में लैंड की डेफिनेशन दी गई है इसमें, ठीक है, आप वर्ड लिखोगे भूमि मीन्स लैंड, लैंड में क्या क्या शामिल है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लैंड, ठीक है, क्या है भैया लैंड में क्या क्या इंक्लूड है, नहर, खाड़ी, ठीक है, क्या क्या वर्ड लिखा है, नहर, खाड़ी, जिसको लिखा है कैनल, चीक्स, अदर वाटर चैनल्स, रिजर्वायर, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, आर्टिफिशियल और नेचुरल, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल है, चट्टाने, दलदल, जमीन, गीली जमीन, चट्टाने, तमाम चीजें, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूड, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शन, समझिए, यहाँ तो ऑल ऑफ दीज था तो आपसे बन गया, अब यहाँ पे वो कोई ऑप्शन ऐसा दे देता है जो हम मेंशन नहीं है, समझो यहाँ पे वो आपको टैंक दे दे, टैंक ऑप्शन दे दे, या वेल दे दे, ठीक है, वेल दे दे, इस प्रकार की चीजें, कोई ऑप्शन जो यहाँ पे चीजें नहीं लिखी, अब और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, नेगेटिव पूछेगा तो फिर हमें कहाँ जाना है, डी ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, इन ऑप्शंस में फिर आप फंस सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज अनट्रू या फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, पशुधन से कृषि में काम आने वाले पशु अभी प्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं, भैया कौन सा गलत है, मतलब पशु जो धन होता है जिसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, लाइव स्टॉक में कृषि में काम आने वाले जो आपके जानवर होते हैं वो आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, कौन से आते हैं, मतलब गलत वाला बताना है आपका, विच इज रॉन्ग, 33 का, भैंस, ऊंट, गधा, खच्चर, याक, सुअर, बतख, हंस, पालतू मुर्गियां, क्या है भैया इसमें, तो ये तो सब आते हैं, दीज ऑल आर लाइव स्टॉक्स, ये सारे के सारे लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक बोलते हैं पशुधन, इनकी वैल्यू होती है, मतलब इन ऐसे जिनको व्यक्ति पालता है, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। कहां से कहां था ये 18 ए की बात कर रहा है सेक्शन, लेकिन इसमें बोला है कि इसमें ऐसे एनिमल नहीं आते जो फर्स्ट से फोर्थ शेड्यूल में अनुसूची लिखेगा, अनुसूची एक से लेके चार नहीं आती, क्योंकि अनुसूची एक में कौन कौन से आते हैं, कैप्टिव एनिमल आते हैं या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आते हैं, इनको छोड़कर ये नहीं आएंगे, लिखा है उसमें सीधा सीधा, आप वह सेक्शन पढ़ोगे लिखा है शेड्यूल वन से लेके फोर जो एनिमल्स हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे एनिमल्स इसमें हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मांस के अंतर्गत आता है, व्हाट इज कम्स अंडर मीट, मीट में क्या आता है, ठीक है, 20 20 मीट कहाँ बताया गया है, ये मीट, मांस मतलब मीट, मीट मतलब है 220 2020 याद रखिए, 220 मास में किसको इंक्लूड किया गया है, अब बोल रहा है मास में क्या क्या है, बोल रहा है मास में किस किस को, बोन्स भी आती हैं, ठीक है, ब्लड भी आ जाता है, सिन्यू भी आ जाता है, एक्स आ जाते हैं, शील भी आ जाती है, फैट भी आ जाता है और तमाम प्रकार की इसमें चीजें आ जाती हैं। भैया मांस चाहे वो कुक्ड मांस हो, कुक्ड मांस भी इसके अधीन आता है, चाहे अनकुक्ड मांस हो, चाहे उसकी स्किन्स हो, चाहे उसका कुछ भी हो, ठीक है, तो मास में क्या आएगा, तो बोल रहा है मास की जो डेफिनेशन है जिसको हम मीट कह रहे हैं, तो मीट में कह रहा है सभी कुछ आ जाता है, पीड़क जंतुओं की रक्त और उसकी हड्डियां भी आ जाती है, बंदी प्राणी की चर्बी और गोश्त खाल के साथ आ जाता है, बिना भी आ जाता है,
तमाम चीज, उसके अंडे वगैरह भी इसमें हम क्या करते हैं इंक्लूड कर लेते हैं। क्योंकि अंडे देखो, अगर आप अंडे को बोलोगे कि अंडा मांस नहीं है भैया, वो ठीक है, वो हम उस पे नहीं जाते हैं कि हम नॉर्मली क्या बात करते हैं अंडा मांस है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो क्या होना है, अगर आपने समझो किसी एनिमल के अंडों को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर वाइल्ड लाइफ भी एक प्रकार से डिस्ट्रॉय हो रही ना, उसको भी हमें क्या करना है कहीं ना कहीं देखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्रेत है? व्हाट डू मीन बाय नेशनल पार्क? ठीक है, नेशनल पार्क के अधीन क्या आता है? 21 की बात कर रहा है, इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 21 व्हिच इज इंक्लूडेड अंडर नेशनल 22 का 21 नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क से रिलेटेड हम कौन सी सेक्शन देखते हैं? 35 एंड 38। यहां भी नेशनल पार्क का जिक्र किया गया, जो मैंने आपको कल बताया था। 35 में डिक्लेरेशन नेशनल पार्क की कौन करती है? 35 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वहीं 38 में किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है। तो दो सेक्शंस आपको याद रखनी है, ये नेशनल पार्क से रिलेटेड है, 35 भी नेशनल पार्क से रिलेटेड है, 38 भी नेशनल पार्क से रिलेटेड है। यहाँ पे नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन कर रही है कौन? डिक्लेरेशन कर रही है, इट इज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। 38 भी इसके नेशनल पार्क से रिलेटेड है, जहाँ पे शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। मैंने आपको कल पूरा शायद बताया था, आपको याद होगा, सेक्शन 18 में क्या होती है? डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेशन 26A में फाइनल होती है। 26A में जब डिक्लेरेशन फाइनल होती है, ऐसे के संबंध में क्या जाता है, इसी को भी हम क्या बना सकते हैं, इसको हम 35 में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना सकते हैं। तो ये तो हो गई सब स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति सेंचुरी और नेशनल पार्क से रिलेटेड। लेकिन हम 38 में क्या कर सकते हैं, 38 में किसी ऐसे सेंचुरी को या किसी नेशनल पार्क या किसी ऐसे एरिया को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, उसको भी क्या बना सकती है, वो नेशनल पार्क बना सकती है। तो ये दोनों शक्ति आपको यहाँ पर दी गई है। ऑलरेडी कल मैंने आपको लेक्चर में सारी चीजें आप बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बोलिएगा। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 18, ठीक है, धारा 18, 35, 36A, 36C के अधीन अधिसूचना कोई राष्ट्रीय उपवन अभयारण्य संरक्षण आरक्षिति या सामुदायिक आरक्षी से अभिप्रेत है? नोटिफिकेशन, ये क्या बात कर रहा है? इज टॉकिंग अबाउट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होगा? ठीक है, नोटिफिकेशन की बात कर रहा है ना, ये प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर रहा है। इज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया से क्या मतलब होगा? देखिए, प्रोटेक्टेड एरिया ये किसकी बात कर रहा है? ये जो नोटिफिकेशन प्रोटेक्टेड एरिया, मैंने आपको आंसर ही बता दिया इसका। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र इसका आंसर आपका माना जाएगा। और ये कहाँ बता दिया है प्रोटेक्टेड एरिया? प्रोटेक्टेड एरिया आपको बताया गया है 24A में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होता है। ऐसा नहीं कि केवल अपने एक्ट आता है, ये एमपी के एडीजे में भी एक्ट आता है, बहुत सारी स्टेट्स में भी आता है। और ये आपको इंस्पेक्टर के जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सॉरी वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर वगैरह के होते हैं ना, फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह के, वहां तो ये आपका एक्ट पूछा ही जाता है और बहुत अच्छे से पूछा जाता है। इसके बाद मान्यता प्राप्त पशु वाटिका से अभिप्रेत है? मान्यता प्राप्त मतलब, ठीक है, मान्यता प्राप्त जिसको हम बोलते हैं, क्या अभिप्रेत है? रिकॉग्नाइज जू। रिकॉग्नाइज जू का मतलब क्या होगा भैया? रिकॉग्नाइज जू, रिकॉग्नाइज जू का मतलब सीधा सीधा होता है ऐसा जू। थोड़ा से इसमें ऑप्शंस आपके थोड़े से गलत हो गए हैं, ये सब की जगह 38 कर लीजिए। ये 30 यहाँ पे 6 लिखा है, 38 कर लीजिए। क्या होगा भैया जू का मतलब? जू को रिकॉग्नाइजेशन कल बताया था मैंने, शायद अगर आपको याद होगा, 38 के बारे में मैंने जिक्र किया था, तो मैंने आपको जू के बारे में बताया था। मैंने आपको क्या बताया था जू के बारे में? तो भैया जू के बारे में मैंने आपको बताया था 38 में क्या होता है, 38 में 38A के संबंध में जू के लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। क्या कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? नेशनल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल, यहाँ लिखेंगे सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे गठित होती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। कहाँ पे हो रही? 38A में। जब सेंट्रल जू अथॉरिटी 38 में हो जाती है, कौन करता है इसको गठित? सेंट्रल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जब ये जू क्या हो जाती है, ये अथॉरिटी, तो अगर किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए है, लाइसेंस चाहिए है जू बनाने के लिए, तो उसके पास क्या किया जाता है, आवेदन किया जाता है। ठीक है, आप आवेदन कर सकते हो। अब आवेदन जब आप किसी व्यक्ति के पास कर दोगे, तो आवेदन करने के बाद जो भी आपकी रिपोर्टिंग वगैरह आती है, जो भी आप अपनी चीजें बताते हो, ये रिपोर्ट आपने कहाँ किया, ये जू अथॉरिटी बन गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप उनसे लाइसेंस मांगते हो, एप्लीकेशन वगैरह देते हो लाइसेंस के लिए। देन जब वो फायर पूरी जांच वगैरह कर लेती है, तो 38H में आपको क्या देती है, यही अथॉरिटी लाइसेंस आपको दे देती है। तो इसलिए इसका आंसर आता है 38H। 38H इसका सही आंसर माना जाता है, जहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए
आगे चलते हैं, जू की हमने बात कर ली, जू के बारे में प्रोविजन भी देख लिए, 38A से इसके प्रोविजन चालू होते हैं जू के, और 38 से लेके इसके प्रोविजन कहां तक आते हैं, 38J तक, 38J तक। मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, 38A से लेके 38J तक आपके सारे के सारे प्रोविजन किससे रिलेटेड है, 38J तक, ये आपके प्रोविजन जू से रिलेटेड है। जू में आपको एक तो 38A देखनी है जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ये बात करती है किसकी, सेंट्रल जू अथॉरिटी के गठन की बात करती है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी सेक्शन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये 38H है, 38H कहती है कि मान्यता मिल जाती है, मान्यता, ठीक है, मान्यता के संबंध में है, मान्यता के संबंध में, ठीक है, मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल गया, ठीक है, चलो रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, कितने महीने का क्या होता है वो हम उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। इसके बाद एक्विजिशन, भैया एनिमल्स वगैरह को एक्वायर कर सकते हो, 38I, 38I करती है कि जू में जितने एनिमल वगैरह होते हैं आप इसको एक्वायर कर सकते हो कहीं से वगैरह वगैरह, कैसे लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी नहीं लेनी की, 38I है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है 38J, वो कहती है कि अगर जू में कोई एनिमल है आप उसे क्या करते हो, टीज वगैरह करते हो, टीज मतलब उसको परेशान करते हो, तो इसके लिए आपको दंड मिलेगा, और दंड के लिए रेफर करता है इसको, आपको दंड मिलेगा। तो इसके लिए जब हम 38J पढ़ते हैं तो इसका दंड आपको कहाँ मिला है, 51 के 1 के B में आपको इसका दंड मिला। और कितना दंड मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति एनिमल को टीज करता है, किसी भी चिड़ियाघर में जाओगे आप, ठीक है, तो आपको लिखा रहता है कि जानवरों को परेशान या तंग करना मना है, और अगर कोई मना कर नहीं कर अगर कोई ऐसा करेगा तो 38J ने कहा कि पनिश किया जाएगा, पनिश कहां किया जाएगा, 51A के B में, और कितना पनिशमेंट होगा, 6 महीने का दंड और जुर्माना ₹2,000 तक, और दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। क्लियर हुआ, चीजें समझ में आ रही है, मैं आपको सारी चीजें, देखिए मैंने पूरा जू का चैप्टर आपको यहाँ पे निपटा दिया कि भैया ये चार सेक्शन कर लीजिएगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता, 38I मतलब एक्वायर आप कर सकते हो कोई एनिमल को, और 38J, 38J के साथ 51B, ये छह चीजें आप पढ़ लोगे, जू के अलावा कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और जू से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, 38A से लेकर 38J तक आपको प्रोविजन दिए गए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जू से आने की नहीं है। हाँ, ये डेट्स वगैरह देख लीजिएगा, कितने दिनों में आवेदन करना है, कितने दिनों के लिए मान्यता मिलती है, मान्यता कब मिली मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी, थोड़ा सा अंदर से इन सेक्शंस को देख लीजिएगा जो बताई है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि जो मैं बोल दूंगा वही आएगा, मैं तो पेपर बना नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि इन सेक्शन से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा वन, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम मतलब जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की सेक्शन 20 के अधीन आरक्षित करने के लिए घोषित या किसी अन्य राज्य अधिनियम के अधीन उक्त रूप में घोषित वन से अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है भैया इसमें, ठीक है, बताइए कौन सा है, 38 का क्या होगा, इसको रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी सेक्शन की बात कर, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, ये किसकी बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट रिजर्व, हिस्टोरिक और रिजर्व फॉरेस्ट, ये रिजर्व फॉरेस्ट की आपकी बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट। चलिए आगे चलते हैं 39 में, 39 क्या बोल रही है, लिखा है राज्य शासन ने से संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, तो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मली आप इसको कर लोगे संघ राज्य क्षेत्र में, तो ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही पता आ जाएगा कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में आर्टिकल 239 आपका बात करता है, तो अगर ये उसके प्रशासक की बात करता है, ठीक है, तो आर्टिकल का मेन यहाँ पे रोल था, अगर आर्टिकल याद है तो आपसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा भी मैं 40 के अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ अभी, उनके अलावा भी, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पहले कर लीजिए, फिर इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। इसके बाद आता है वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत व्यक्ति शब्द में, मतलब व्यक्ति में कौन आता है, हुइज कमांडर, पर्सन, पर्सन में कौन सा व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, पर्सन में कौन सा व्यक्ति शामिल है, हुइज कमांडर पर्सन, पर्सन में क्या है, पर्सन में किसको शामिल किया गया, डेफिनेशन के हिसाब से ये आपकी बात कर रहा है 224। ये क्वेश्चन बहुत गलत होगा अगर ये आया तो, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ लोग निगमित निकाय लगाए, कोई अनिगमित निकाय मतलब रजिस्टर्ड सोसाइटी, को लोग अनरजिस्टर्ड लगाए, कुछ कंपनी लगाए, कुछ फर्म, लेकिन अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पे उसने लिखा है कि भैया इसके अधीन फर्म इंक्लूड आपकी मानी जाएगी, कौन आएगा, फर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए क्लियर हुआ यहां तक, चलिए
यहां तक चीजें हो गई ना। यहां तक चीजें हुई कि नहीं हुई? चलिए कुछ चीजें और देखते हैं। चलिए क्विक एक रैपिड रिवीजन टाइप का, रैपिड फायर। रैपिड फायर आपका एमसीक्यू पूछूंगा, रैपिड फायर जल्दी जल्दी बोलिएगा। चलिएगा ये बताइए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कहां पर होता है और कौन करता है? जल्दी बोलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कहां पर होता है, कौन करता है? जल्दी बोलिए फटाफट, आंसर आपको देने हैं बस। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कहां पर होता है और कौन करता है? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां होता है और कौन करता है? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां होता है और कौन करता है? क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां होता है और कौन करता है? तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 3 में। जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, सेक्शन 3 में इसका अपॉइंटमेंट होता है। और कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का अपॉइंटमेंट कहां होता है, कहां होता है और कौन करता है? जल्दी, सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी अगर इस एक्ट में पूछी जाए तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, जिसको मुख्य वन्य जीव संरक्षण अधिकारी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति किस धारा में होती है और कौन करता है? जल्दी बोलिएगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति किस धारा में होती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बोलिएगा फटाफट, कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति होती है, या ये होती है सेक्शन नंबर 4 में। और इसकी नियुक्ति कौन करती है? सेंट स्टेट गवर्नमेंट इसकी नियुक्ति करती है। चलिए दो क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेशनल बोर्ड, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहां पर है, ठीक है, और इसको कौन बनाता है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कौन कहां पर है और इसे कौन बनाता है? जल्दी बोलिए, पहला, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहां पर है और इसे कौन बनाता है? तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहां पर है, ये आपका सेक्शन 5A में, ए पे दिया गया, ठीक है, 5A में है, 5A में है। अब भैया 5A में नेशनल बोर्ड है, कौन बनाता है? तो बोल रहा है इसको बनाती कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, 5A में। एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आ जाता है यहीं से कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनाती है, लेकिन मुझे ये बताइए इसका अध्यक्ष कौन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो यहाँ का अध्यक्ष होता है। इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ का अध्यक्ष, जिसको हम इसका चेयरपर्सन बोलते हैं, ठीक है, तो इसका चेयरपर्सन होता है भारत का पीएम। पीएम कौन होता है? यहाँ का चेयर पर्सन होता है इस बोर्ड का, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया भैया ये समिति, तो भैया भारत का पीएम यहाँ पे क्या हो जाता है? इस प्रकार से आ जाता है। इसके बाद आप मुझे बताइए कि कौन सी सेक्शन इस एक्ट की, कौन सी सेक्शन हंटिंग को मना करती है? इस एक्ट की कौन सी सेक्शन हंटिंग को मना करती है, ठीक है, इस एक्ट की कौन सी सेक्शन हंटिंग को मना कर रही है? चलिए, हंटिंग को प्रोहिबिट कहाँ किया गया है? हंटिंग को कौन सी सेक्शन मना कर रही है? जल्दी बोले, हंटिंग को प्रोहिबिट कौन सी कर रही है? जल्दी बोलिए, हंटिंग को कौन सी सेक्शन मना कर रही है? इस एक्ट की कौन सी सेक्शन हंटिंग को मना कर रही है? तो सेक्शन सीधा सीधा बात कर रही है, सेक्शन 9 मना करती है, 9 मना कर रही है, ठीक है, मना कर रही है। 9 के एक्सेप्शन है क्या? कुछ 9 के एक्सेप्शन है क्या, क्या जहां पे हंटिंग की जा सकती है? सेक्शन 9 के हंटिंग की मतलब, सेक्शन 9 के एक्सेप्शन मतलब हंटिंग जहां पर परमिटेड की जाएगी, हंटिंग यहाँ पे परमिट की जाएगी। ऐसी कौन सी सेक्शन है जहाँ पे हंटिंग को परमिट करते हैं? अंडर विच सेक्शन वी परमिट हंटिंग? हंटिंग को कहाँ पे परमिट किया जाता है? जल्दी बोलिए, कौन सी सेक्शन में हंटिंग को परमिट किया जाता है? जल्दी बोलिए, हंटिंग को परमिट कहाँ किया जाता है? चलिए, इसके एक्सेप्शन सेक्शन 11 और 12 है, 11 एंड 12। 11 और 12 में क्या करते हैं? हंटिंग को परमिट कर देते हैं कि हाँ हंटिंग करिए। दूसरा चीज, हंटिंग अगर आपको करनी है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर आपको, देखो वैसे तो मैंने हंटिंग को मना किया है, इन केस आपको किसी सिचुएशन में हंटिंग करनी है तो हंटिंग के लिए परमिशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना हंटिंग परमिट होगी, तो परमिशन किसकी होगी, किसकी परमिशन होगी हंटिंग को करने के लिए? बताइए किसकी परमिशन लोगे भैया, किसकी परमिशन लोगे कि बिना परमिशन के हंटिंग कर लोगे? तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, अभी रीजन भी अपन देखते हैं कब लेनी है। तो हंटिंग में किसकी परमिशन लेनी है जल्दी बताइए? विच अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है जो जिसकी हंटिंग में परमिशन लेनी पड़ती है? ठीक है, सीएफओ ये कौन हो गया? चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर, चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बोलिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बोलिए। तो परमिशन जिस ऑफिसर को लेनी पड़ती है वो होता है चीफ वाइल्ड लाइफ
वार्डन इसकी परमिशन ली जाती है। अच्छा कौन कौन से दो तीन तरीके बताइए जिसमें हम क्या कर सकते हैं किसी व्यक्ति को किलिंग कर सकते हैं, कोई कोई बताइए कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति की किलिंग कर मतलब किसी वाइल्ड लाइफ की किलिंग कर सकते हो। तो पहली कंडीशन होता है मैंने आपको बताया था एजुकेशन, एजुकेशन में ऐसा कर सकते हो ठीक है, एजुकेशन पर्पज पे आप किसी हंटिंग हो सकती है एजुकेशन पर्पज के लिए। दूसरा क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च होता है जिसको हम वर्ड क्या बोलते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान में हो सकता है। तीसरा बोलता है तीसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट, तीसरा बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी ऐसा किया जा सकता है जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध की स्थिति में भी ऐसा किया जा सकता है। और चौथा क्या आता है, चौथा क्या आता है मैंने आपको उसी दिन बताया था, चौथा क्या होता है सेल्फ डिफेंस, चौथा होता है सेल्फ डिफेंस। अगर कोई व्यक्ति को लगता है सेल्फ डिफेंस, कोई व्यक्ति को लगता है कि कोई एनिमल उस पर क्या कर सकता है आक्रमण कर सकता है उस कंडीशन पे, वो उस पर क्या कर सकता है उस पर उसको किल कर सकता है, लेकिन लेकिन आपको ये पर ये वाला जो डिफेंस है ये तभी मिलेगा सेल्फ डिफेंस जब आप आक्रमणकारी ना हो और आप कोई लॉफुल कार्य कर रहे हो। इनकेस अगर आप इनलीगल वर्क करोगे तो ये सेक्शन आपको किसी भी प्रकार से प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा। हम आ जाते हैं आगे, आगे हम देख लेते हैं कुछ चीजें और। इसके बाद डिक्लेरेशन कहाँ होती है वाइल्ड लाइफ, जो सेंचुरी की डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी कहाँ पर होती है, डिक्लेरेशन किसी सेंचुरी की जिसको अभयारण्य की घोषणा किस धारा में होती है और कौन करता है, सेंचुरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेट अ सेकेंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको ये वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है ये किस सेक्शन में डिक्लेयर होती है और कौन डिक्लेरेशन करता है ठीक है, और डिक्लेरेशन कहाँ पर कंप्लीट होती है और डिक्लेरेशन के संबंध में इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है। तो देखिएगा इसके क्वेश्चन, डिक्लेरेशन कौन सी सेक्शन में होती है, डिक्लेरेशन होती है सेक्शन 18 में। डिक्लेरेशन करता कौन है, डिक्लेरेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट। डिक्लेरेशन कंप्लीट कहाँ पे होती है 26A में। डिक्लेरेशन कब कंप्लीट होती है, जब इंक्वायरी किसी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर के द्वारा की जाती है और कलेक्टर रिपोर्ट सबमिट करता है, इस रिपोर्ट के अलावा बाद में इसको क्या किया जाता है, ये यहाँ पर डिक्लेरेशन आपकी कंप्लीट या जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन फाइनल हो जाती है। चलिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जिस्ट बताता जाता हूँ मेन मेन सेक्शंस का, जितना आज हो जाएगा उतना कर लेंगे, कल एमसीक्यू, कल भी आपका वाइल्ड लाइफ रहेगा, जितनी सेक्शन बचेंगी उनको कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है क्या अगर किसी सेंचुरी को अगर हमने क्या बना दिया, किसी किसी एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया या सेंचुरी बना दिया तो रिस्ट्रिक्शन एंट्री पर कहाँ पे होगी कि भैया डिक्लेरेशन हो चुकी है तो आप यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते, इंटर नहीं कर सकते। तो एंट्री पे रोक कहाँ लगाई गई है ऐसे एरिया पे, जनरली जैसे आप कहीं पर भी घुस जाओ तो एंट्री पे रोक लगा दी गई है, कौन सी सेक्शन एंट्री पे रोक लगाती है 27, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहती है कि एंट्री आप नहीं कर सकते ऐसी जगह पे। क्या एंट्री वगैरह पे नहीं, अगर आपको जाना है तो कैसे जाइएगा, तो बोलता है अगर किसी को जाना है तो परमिट के साथ जाएंगे। परमिट के बारे में कौन सी सेक्शन बताती है, कहती है सेक्शन 28 कि अगर जाना है तो परमिट के साथ जाइए, परमिट वगैरह के संबंध में सेक्शन 28 आ जाती है। ऐसे एरिया में कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे आग वगैरह लग जाए, कॉजिंग फायर प्रोहिबिटेड, मतलब ऐसे एरियो में फायर को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब आग वगैरह, फायर आपको पता होगा फायर जब लगती है तो पूरा जंगल हो जाता है, फायर को प्रोहिबिटेड किया गया है। कौन सी सेक्शन फायर को प्रोहिबिटेड करती है, सेक्शन 30, सेक्शन 30 फायर को प्रोहिबिटेड करती है। ऐसे एरिया पे आप वेपन्स लेके भी नहीं जा सकते, वेपन्स को कौन प्रोहिबिट करता है ऐसे एरिया में, वेपन्स लेके नहीं जा सकते, वेपन्स को मना कर रही है सेक्शन नंबर 31, कह रहे हैं ऐसे एरिया में अगर जाना है तो बिना वेपन्स के जाइए, वेपन्स के साथ आप नहीं जा सकते ठीक है। ये सारी चीजें इसके साथ साथ आपको देखना होगा, सेक्शन पूछा जाता है कि भैया जो नेशनल पार्क है इनका डिक्लेरेशन कौन करती है, तो नेशनल पार्क अब आ जाते हैं नेशनल पार्क को लेके ठीक है। अब हम देखते हैं नेशनल पार्क को लेके, नेशनल पार्क को कौन डिक्लेयर कर रहा है, नेशनल पार्क को तो बोल रहा है नेशनल पार्क को डिक्लेयर कौन कर रहा है, तो कहता है नेशनल पार्क को सेक्शन 35 में कौन डिक्लेयर कर रहा है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है। किस एरिया को नेशनल पार्क बना सकती है जिसको वो बेहतर समझे, तो ये क्या कर सकती है किसी एरिया को विद इन द सेंचुरी, चाहे वो सेंचुरी वाला एरिया हो, सेंचुरी वाला एरिया हो चाहे अदर कोई अदर एरिया, उसको क्या कर सकती है नेशनल पार्क घोषित कर सकती है सेक्शन 35 में ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर
इस एरिया को कर रही है, अदर एरिया को तो डायरेक्ट कर देगी, लेकिन अगर किसी सेंचुरी वाले एरिया को आप क्या बनाना चाह रहे हो, नेशनल पार्क, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको इसमें लेनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक बार किसी एरिया को आपने क्या बना दिया है, कोई एरिया को नेशनल पार्क वगैरह बना दिया है, तो अगर आप उसकी बाउंड्रीज वगैरह में भी चेंज करना चाहते हो, तो डायरेक्टली बाउंड्रीज वगैरह में भी चेंज नहीं कर सकते। चलिए ये दोनों पावर देख ली हमने, 18 में कौन कर रहा था, 18 और 35 की पावर देख ली किसके पास है, ये 18 मतलब सेंचुरी की पावर और 35 मतलब नेशनल पार्क की पावर, दोनों पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब हम आ जाते हैं एक और शक्ति की तरफ। अब हम कहते हैं कि भाई हमें कौन सी पावर देखनी है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर देखनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सेंचुरी और नेशनल पार्क बना सकती है, तो बोलता है यस, उस वो भी बना सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी तो कौन सी सेक्शन में बनाएगी, इट इज अंडर सेक्शन 38, वो सेक्शन 38 में ऐसा करेगी, इज इट क्लियर, 38 में ऐसा कर लेगी। फिर जू वाला भी मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर बता चुका हूँ, ठीक है, जू वाला चैप्टर आपका आता है 34A, 4A जू से संबंधित है, जू से संबंधित अभी अभी मैंने बता दिया, 38A से लेके 38J, जहाँ पे ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे ए बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 38A बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसके बाद मैंने आपको एक सेक्शन बताया था एच बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 38 एच इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, आई अभी मैंने पीछे बताया इंपॉर्टेंट है, जे इंपॉर्टेंट है, और इसी सेक्शंस के साथ हमें कौन सी पढ़नी है, 51 का बी, जो वन का बी होता है ना, वो वन का बी वगैरह या टू बोल दीजिए उसको, जो भी होता है, ठीक है, वन का बी बोल दीजिए या टू बोल दीजिएगा, वो हमें यहाँ पर देखना है, जहाँ पे क्या है, दंड के प्रावधान किए गए हैं, पनिशमेंट वन का बी कर लीजिएगा, 51 वन का बी, ये हमें चीज है। तो ये आपका जू तक है, तो जू तक आज हो गया, ठीक है, जू तक आज आपको समझ में आ गया होगा। अब जू के बाद हम क्या करेंगे, इसको कल खत्म करेंगे, तो कल भी दोनों चीजें होंगी, ठीक है, कल हम दो चीजें करेंगे, कल जू के आगे बढ़ेंगे मतलब 39 से लेके 66 ये सेक्शन करेंगे, और प्लस अपने एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, इसके एमसीक्यू जितने बचे होंगे, कुछ इसके और एमसीक्यू हम कर लेंगे। तो कल भी ये सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा 9:30 बजे से 9:30 बजे, 9:30 AM कल भी आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, आपको हमेशा फायदा करेंगे। अच्छा लगा सेशन, सबसे पहले तो ये बताइए क्या सेशन अच्छा लगा, क्या सेशन अच्छा लगा, क्या सेशन अच्छा लगा, लगे नहीं लगा, मजा आई सेशन में, चलिए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपन कल, आज के लिए इतना ही, इसके बाद अपन मिलते हैं कल, होपफुली आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, हैव अ गुड डे।